चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में भी है डन टेल स्मॉल कंपनी, एक बार रिवाइज करते हैं देन वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इट रिप्लेसेस एंड रिपील्स द कंपनीज एक्ट 1956। 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला था इसको। सेक्शन 1 जो नोटिफाई हो गया था वो नेक्स्ट डे पर नोटिफाई हो गया, दैट इज 30 अगस्त 2013। और जो बाकी सेक्शंस थे दे केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किए थे। अगर हम पूरे एक्ट की बात करें तो एक्ट कंटेन्स 470 सेक्शंस, जिसको 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और साथ में 7 शेड्यूल्स लगे हुए हैं। सेक्शन 1 की हमने बात की थी। सेक्शन 1 हमारा चार चीजों के बारे में बात करता था। द एक्ट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। एक एक करके बात करते हैं। सब सेक्शन 1 ने बात की थी, द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013। देन सब सेक्शन 2 सेड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 की जब हमने बात की थी, टॉक्स अबाउट दैट एक्ट शैल कम, दैट दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और नेक्स्टली हमने बात की थी, लास्टली हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी की। जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने टोटल 6 सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी थी जिन पे कंपनी लग सकती, जिन पे कंपनी एक्ट लगता है। नंबर 1 द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या कोई प्रीवियस कंपनी लो। देन बिग्स नाम से हमने याद किया था, बी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कंपनीज, लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए प्रोविजंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, दो एक्ट है हमारे यहाँ पे, इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। जी स्टैंड फॉर जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से इनकंसिस्टेंट होगा तो कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। देन कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में बनी हुई है जब तक उस स्पेशल एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। लास्टली कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई करना चाहे तो कंपनी एक्ट उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ कंपनी की। कंपनी की स्टेट्यूटरी डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन की बात करें तो 2 क्लॉज 20 में हमें कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने डिफाइन किया था कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि अगर आपको इंडिया में कंपनी कहलाना है तो दो चीजें पूरी करनी होगी, या तो आप 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हो या उससे पुराने किसी कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हो। अगर आप कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी नहीं है तो आपका कोई और नाम दिया जा सकता है लेकिन आपको कंपनी नहीं बुलाया जाएगा। प्रोफेसर हीनी की डेफिनेशन दी थी हमने, अ कंपनी मींस एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी, अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। जो कॉमन सील वाली बात है वो ऑप्शनल हो गई है फ्रॉम 2015 अमेंडमेंट, 2015 अमेंडमेंट आई थी जहां से ऑप्शनल की गई। नेक्स्ट हमने बात की थी फीचर्स ऑफ कंपनी की, लर्निंग स्किल डेवलप की थी इसके लिए। अ कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हमारे पास आया था सेक्शन 44 जिसने क्या बोला, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सारे की सारी कंपनीज होंगी उनके शेयर हमेशा ट्रांसफरेबल रहेंगे लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ऑन द ट्रांसफर। रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो इनकी दिस केस आपकी कंपनी क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। लेकिन अगर आपकी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है देन इन दैट केस इट्स अ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट हमने बात की थी ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन होता है, ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। जो कंपनी की ओनरशिप है वो मेंबर्स के हाथ में रहती है, शेयर होल्डर्स के हाथ में रहती है, लेकिन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है, शेयर होल्डर्स ही करते हैं, मेंबर्स ही करते हैं। देन पी स्टैंड फॉर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, जहां पर बाय लीगल फोर्स बाय एक्शन ऑफ लॉ आपके शेयर्स आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, उस केस में आगे जाते हैं। इस वजह से आपकी परपेचुअल सक्सेशन चलती रहती है, मेंबर्स आते रहे, मेंबर्स जाते रहे, कंपनी चलती रहेगी। सी सेंस फॉर कॉमन सील। कॉमन सील में 3 बातें याद की थी। नंबर इन कॉमन सील जो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, इट इज नीडेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सेकंडली हमने बात की थी कि ऑप्शनल है, 2015 अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऑप्शनल कर दिया गया था। और अगर नंबर 3 कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, कंपनी ऑप्ट्स नॉट टू हैव अ कॉमन सील, तो ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, इट हैज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी वेयर कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी। देन एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में हमने 2 तरह की देखी थी कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कैसी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लैंग्वेज क्या थी हमारे पास, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दैट द मेंबर अंडरटेक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी शेयर से लिमिटेड है तो अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। देन नेक्स्ट हमने बात की थी आर्टिफिशियल पर्सन की, क्योंकि कंपनी क्रिएशन ऑफ लॉ एट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन
फिक्टिशियस पर्सन भी नहीं है, इट हैज सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, प्रॉपर्टीज बाय कर सकता है, लोन ले सकता है, बैंकिंग अकाउंट खोल सकता है, स्यू हो सकता है, दूसरों को स्यू कर सकता है, लेकिन नेचुरल पर्सन वाले सारे राइट्स इसको अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी सेपरेट लीगल एंटिटी की, दो केस आए थे इस केस में, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड सेकेंडली ली वर्सेज ली ए फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। देन लास्टली हमने बात की थी सेपरेट प्रॉपर्टी की, केस का नाम क्या था, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें एक आ गया था कि कंपनी के ओनर के पास कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता, दैट मींस उसकी प्रॉपर्टी की अपने नाम पर इंश्योरेंस तक नहीं करा सकता। एंड लास्टली इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मींस कि कंपनी क्रिएशन ऑफ लॉ है, लॉ के प्रोसेस से क्रिएशन में आती है और लॉ के प्रोसेस से ही इसको वाइंड अप किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। देन नेक्स्ट हम आ गए थे ऑन अ कंसेप्ट नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की बात करें तो पहली बात कॉर्पोरेट विल क्या था, कॉर्पोरेट विल एक लीगल कंसेप्ट है जहां पर कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या हुआ, इग्नोरिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी, जहां पर आप सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं और उन रियल पर्सन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि कंपनी के पीछे मैनेजमेंट में होते हैं। क्या यह हर केस में करती है कोर्ट, नहीं, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है उन केसेस में, उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जहां कंपनी, जहां कोर्ट्स को लगता है कि आपने सेपरेट लीगल एंटिटी को फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया है, वहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जा सकती है। यानी कि कोई सेट नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस लेड आउट नहीं किए जा सकते, ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि कोर्ट चाहे तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकता है। पांच ऐसे सर्कमस्टांस पढ़े थे बेटा जो हमारी बुक्स में दिए गए हैं जहां लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की गई थी। नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, केस का नाम या टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्सेस, रीसन दिनशा मैनेजी पैटिट, जहां पर मल्टीपल कंपनीज बनाई गई थी इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस। कोर्ट ने क्या कहा था कि सारे के सारे जो कंपनीज है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, केस का नाम था गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होने, जहां हमने वो एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल लिया था जहां उसने एग्रीमेंट का वायलेशन करके अपने पुराने एम्प्लॉयर के कस्टमर्स सॉलिसिट किए थे। थर्ड, डिटरमाइनिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ कंपनी, केस का नाम क्या था, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, रबर कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट हमने बात की टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन या वेलफेयर लेजिस्लेशन, यहाँ केस का नाम क्या था, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। एंड लास्टली फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, जहां पर आप काम करते हैं ताकि आप जो काम खुद नहीं कर सकते वो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू करा ले। उस केस में हम नाम देते हैं, उस केस में हमने केस का नाम देखा था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और लास्टली इन क्वाजाई क्रिमिनल केसेस, वो केसेस जहां पर पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं एक्ट के अंदर, उन केसेस के अंदर आप लोग अपनी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करते हैं और जो डायरेक्टर्स हैं मेंबर्स हैं उनको पर्सनली लायबल ठहराते हैं। नेक्स्ट हम आए थे टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, एक मिनट रुकिए इसको जरा पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कंपनीज, कई हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया बेस्ड ऑन मेंबर्स, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, कंट्रोल पढ़ा जाता है, बेस्ड ऑन कंट्रोल, एसेट्स टू कैपिटल एंड अदर्स। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स बात करें तो हमने देखा था कि कंपनी को हम डिवाइड कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी डिफाइंड था अंडर टू क्लॉज 68 एंड पब्लिक कंपनी डिफाइंड था अंडर टू क्लॉज 71। अगर हम पहले पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। नीचे एक प्रोविजन डाला हुआ था कि वो कंपनी जो कि सब्सिडरी होगी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, दैट मीन्स वो कंपनी जो सब्सिडरी होगी ऑफ अ पब्लिक कंपनी दैट विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, भले ही वो अपने आर्टिकल्स में क्या रहे, प्राइवेट कंपनी रह रही हो। देन नेक्स्ट हमने बात की प्राइवेट कंपनी की, डिफाइंड अंडर टू क्लॉज 68। कैसे डिफाइन किया उन्होंने, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। तीन बातें लिखी थी हमने, आरएलपी, आर मींस रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, एल मींस लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। तीन हमने इसमें तीन बातें याद रखनी थी, नंबर वन जो ज्वाइंट होल्डर्स हैं दे शैल बी काउंटेड एज वन, जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा, और वो वाले एक्स एम्प्लॉइज जो मेंबर्स बने थे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट बट नाउ सीज टू बी एम्प्लॉय उनको काउंट नहीं किया जाएगा। एंड फाइनली पी स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ध्यान क्या क्या रखना है, पहले लाइन में हमारे पास वर्ड है प्रोहिबिट्स, सॉरी रिस्ट्रिक्ट्स, थर्ड में हमारे पास वर्ड है प्रोहिबिट्स, पहले हमारे पास वर्ड है
शेयर्स, और थर्ड में हमारे पास वर्ड है सिक्योरिटीज। इन वर्ड्स को मिक्सअप मत करिएगा। पहला वर्ड क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्ट्स है, और रिस्ट्रिक्ट्स किसके रेस्पेक्ट में है, शेयर्स के रेस्पेक्ट में, और हमारा जो प्रोहिबिट्स है ये किसके रेस्पेक्ट में है, सिक्योरिटीज के रेस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी जो लास्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट वॉज अ स्मॉल कंपनी, टू क्लॉज 85। टू क्लॉज 85 की बात करें तो उसने क्या सबसे पहले क्या लिखा, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस थी, इट हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और अमाउंट कितना हो सकता है 10 करोड़ रुपीज, एंड द टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। अच्छा, यहां मैंने आपको बात बताई थी कि 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि हम नवंबर 21 अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, तो ये लिमिट्स हमारी चेंज कर दी गई थी। मई 21 के लिए लिमिट्स यही रहेंगी, नवंबर 21 के लिए लिमिट्स को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था, इस लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपीज कर दिया गया था। लेकिन वो बच्चे ध्यान रखें जो नवंबर 21 अटेम्प्ट में हो या उससे आगे के, मई के लिए आपकी लिमिट्स यही रहेंगी 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब 10 करोड़ तक बढ़ाई जा सकती है, और 2 करोड़ सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब जो 100 करोड़ तक बढ़ाई जा सकती है। 5 ऐसी कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं होती है, नंबर 1 पब्लिक कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी, कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, या कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से गवान है। ये पांचों कंपनीज अगर ये 2 कंडीशंस भी पूरी कर दें तो भी आप इन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। लास्टली हमारे पास आता है प्राइवेट कंपनी में अनदर स्पेशल काइंड ऑफ 1% कंपनी नोन एज अनदर काइंड ऑफ कंपनी प्राइवेट कंपनी नोन एज 1% कंपनी, जो कवर्ड है हमारा 2 क्लॉज 62 में। 2 क्लॉज 62 की बात करें, मतलब 2 क्लॉज 62 सिर्फ एक 1% कंपनी को डिफाइन करता है, और डेफिनेशन क्या देता है, 1% कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, दैट्स इट। 2 क्लॉज 62 इतना बोल के चुप हो जाता है, वो सिर्फ डिफाइन करता है 1% कंपनी को, बाकी जितने भी इसके बारे में प्रोविजन है वो आपके सेक्शन 3 में कंटेन्ड है, बाकी सिर्फ 2 क्लॉज 62। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो 1% कंपनी बेटा कंपनी एक्ट के 2 सेक्शन से मिलकर बनी है, 2 क्लॉज 62 में और सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 को भी और ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएं तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये सेक्शन हैं जो हमारा बात करते हैं 1% कंपनी के। यानी कि अगर हम बोले तो 1% कंपनी जगह, अच्छा अगर 2 सेक्शन का जिक्र करना हो कंपनीज एक्ट में या किसी भी एक्ट में तो लीगल लैंग्वेज कैसे रहती है, हम इसको रखेंगे 1% कंपनी इज डिस्क्राइब्ड और 1% कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट, रेड विद, मतलब ये भाषा लिखी जाती है रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। तो जब भी आपने 2 सेक्शन लिखने होते हैं आप ये भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। लैंग्वेज क्या होती है लीगली, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। तो जब भी आप लीगल लैंग्वेज यूज करेंगे वर्ड्स क्या यूज किए जाएंगे, एंड की जगह रेड विद, यानी कि जब भी 2 सेक्शनों का जिक्र करना हो तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1% कंपनी के बारे में डिटेल में बात करें। 2 क्लॉज 62 पहले हमने डेफिनेशन दी, 1% कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। उसके बाद हमने बात करी सच ए कंपनी इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एज अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि आप, हमने बेटा बात की थी कि हमारी जो स्मॉल कंपनी है और 1% कंपनी है दोनों प्राइवेट कंपनी है, दोनों बातें निकल के कहां से आ रही थी, जो आपकी स्मॉल कंपनी के बारे में जिक्र है वो तो 2 क्लॉज 85 में ही लिखा हुआ है। उन्होंने पहली लाइन में ही क्या लिखा था, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, वहां से बात क्या निकल के आई थी कि ऑटोमेटिकली क्या बन गई, प्राइवेट कंपनी। लेकिन अगर आप 1% में बात करें तो उसकी डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। 1% की डेफिनेशन क्या कह रही थी, इट मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, कहीं प्राइवेट या पब्लिक का जिक्र नहीं था। ये जिक्र पहली बार कहां पर आया, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, जहां उन्होंने क्या बताया कि 1% कंपनी को किस तरह से ट्रीट करिए, एक प्राइवेट कंपनी की तरह। दैट मींस जो प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होते हैं वो सारे प्रोविजंस हूबहू किस पे अप्लाई होते रहेंगे, ओबीसी पे, लेकिन उन प्रोविजंस के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोविजंस 1% कंपनी के लिए बताए गए हैं। यानी कि अगर आप समझेंगे बेटा 1% कंपनी में वो सारी बातें तो लगेंगी ही लगेंगी जो किस पे लगती हैं, प्राइवेट कंपनी पे लगती हैं, लेकिन उसके एडिशन में कुछ बातें ज्यादा लगेंगी। तो लिखा दस ऑल प्रोविजंस एज आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी शैल ऑल्सो अप्लाई टू अ 1% कंपनी, हाउएवर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली टू 1% कंपनीज एंड नॉट टू प्राइवेट कंपनी। और ये स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है ये हमने अब कवर करने हैं,
कि वन पर्सन कंपनी के ऊपर अलग से क्या बातें लगती हैं जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगती है। नंबर वन, द मेमोरेंडम मस्ट हैव मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय ओनली वन पर्सन। बेटा एक अलग बात जो वन पर्सन कंपनी पे लगती है, इसके सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कितने होते हैं? वन होते हैं। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम का कंसेप्ट समझते हैं। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वो लोग होते हैं जो मेमोरेंडम बनते समय उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर कर ये प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही कंपनी बनेगी हम उसके पहले मेंबर, हम उसके पहले शेयर होल्डर बनेंगे। बेटा कंपनी हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम टू मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम हमारे पास सेवन मेंबर्स होने चाहिए। ये मेंबर्स आएंगे कहां कंपनी बनती, पहले दिन से कैसे मिल जाएंगे आपको? तो ये आप जब मेमोरेंडम बना रहे होते हैं, जब कंपनी बनी ही नहीं होती, उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम के साइन ले लेते हैं। तो लॉजिकली सोचिए सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कितने होते होंगे प्राइवेट कंपनी के केस में? दो। और ये दोनों क्या कहते होंगे? हम इतने इतने शेयर्स लेंगे जब हम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, यानी कि मिनिमम दो चाहिए सब्सक्राइबर्स प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में सात चाहिए। और वो सात के साथ क्या अंडरटेक कर रहे होंगे कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी हम उसके क्या बनेंगे, शेयर होल्डर बनेंगे या मेंबर बनेंगे। वन पर्सन कंपनी में ये नंबर कितना हो जाता है? वन। लॉजिकल है क्योंकि वन पर्सन कंपनी में आपको कंपनी बनते ही कितना मेंबर चाहिए? एक मेंबर चाहिए, तो एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कॉरेस्पॉन्डिंग आप रखते हैं। उसके अलावा आपकी वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में एक और खासियत होगी, इसके अंदर एक नेम मेंशन करेंगे आप, जिसको हम नाम बोलते हैं नॉमिनी का नाम, जो इन द इवेंट ऑफ डेथ और इन द इवेंट ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर, यानी कि जो सोल मेंबर है कंपनी का जिसको हम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कहते हैं, जब इसकी डेथ हो जाएगी, जब ये इनकैपेसिटेट हो जाएगा यानी कि मेंबर नहीं रह पाएगा, उस केस में इसकी जगह मेंबर बनेगा। इस पर्सन को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इज नोन एज द नॉमिनी। इसको नॉमिनी बुलाया जाता है। नॉमिनी रखने का कंसेप्ट, मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम डालने का कंसेप्ट वन पर्सन कंपनी के केस में एक यूनिक चीज है जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज में नहीं होता। थर्ड, जो आपका वन पर्सन कंपनी का नाम है उसके एंड में वन पर्सन कंपनी वर्ड्स ब्रैकेट में मेंशन किए जाएंगे। एक एडिशनल बात, अच्छा क्या वन पर्सन कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत होती है या उसको नहीं लगाना होता? अगर आप समझे बेटा वन पर्सन कंपनी है, मान लीजिए एकलौता पर्सन है, उसने एक या एक कोई नाम रख लेते हैं इसका, उसने नाम रखा बेटा अपना ट्यूलिप इंडस्ट्रीज। अब पॉइंट यह है कि इसका नाम क्या हो, ट्यूलिप इंडस्ट्री, आपको तो समझ आ रहा है कि वन पर्सन कंपनी वर्ड इसके पीछे मेंशन करना है, वन पर्सन कंपनी वर्ड मेंशन करना है। क्या इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना भी जरूरी है? No, यहां आपने एक चीज पढ़ी कि प्राइवेट कंपनी के केस में जो प्रोविजंस लगते हैं वो हूबहू वन पर्सन कंपनी के केस में भी लगते हैं, उसके अलावा कुछ और लगता है। प्राइवेट कंपनी का नाम कैसे एंड होता है? प्राइवेट लिमिटेड में। तो क्या आपका जो वन पर्सन कंपनी है वो भी एक प्राइवेट कंपनी है? क्या इसके नाम के पीछे भी प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए या सिर्फ वन पर्सन कंपनी लगा दो काम चल जाएगा? बेटा लॉ ने कहा है वन पर्सन कंपनी लगाओ, लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखना। तो इसका नाम आपको कैसा मिलेगा? प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा आगे? वन पर्सन कंपनी। इसका नाम इस तरह से होगा। तो आपका प्राइवेट लिमिटेड वर्ड तो लगा ही रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा कंपनी के नाम के एंड के? वन पर्सन कंपनी लिखा होगा। उसके बाद एवरी प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम टू मेंबर्स, हमें पता है, लेकिन एक वन पर्सन कंपनी को कितने मेंबर चाहिए होते हैं? ओनली वन मेंबर चाहिए होता है। और जो 200 की लिमिट होती है वो आपकी वन पर्सन कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट, एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम टू डायरेक्टर्स। वन पर्सन कंपनी में लिमिट कितनी है? ओनली वन मेंबर, सॉरी ओनली वन डायरेक्टर। तो हमारे पास एडिशनल बातें आई, स्पेसिफिक प्रोविजंस आया जो किसके रेस्पेक्ट में लगते हैं वन पर्सन कंपनी के रेस्पेक्ट। नंबर वन, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वन होगा, नाम एंड होगा विद द वर्ड वन पर्सन कंपनी, एक लोता मेंबर इसके अंदर हो सकता है एज कंपेयर टू टू जो प्राइवेट कंपनी में होते हैं, ऐसे ही सिंगल डायरेक्टर से काम चला सकती है एज कंपेयर टू टू मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो किसमें चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी में। अब आ जाइए प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका जो मेमोरेंडम ऑफ ओबीसी है वो एक नाम, एक पर्सन का नाम बताएगा जो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर मेंबर बन जाए, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? नॉमिनी। यानी कि आपको अपने मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा। ये जो नॉमिनी का नाम आप बता रहे हैं इसका प्रायर कंसेंट लेंगे। कंसेंट कैसा होगा? रिटर्न कंसेंट लेंगे। इस रिटर्न कंसेंट को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रिटर्न कंसेंट लेंगे, रिटर्न कंसेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करेंगे एट द टाइम ऑफ
इनकॉर्पोरेशन, ये जो पर्सन है जिसने नॉमिनी बना है ये जब चाहे अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, ये कह सकता है कि मुझे नॉमिनी नहीं बनना या मुझे नॉमिनी कंटिन्यू नहीं करना, एज वेल एज जो बेटा ये सिंगल मेंबर होगा ये जब चाहे नॉमिनी चेंज भी कर सकता है, यानी कि नॉमिनी अपनी इच्छा से भी जा सकता है और मेंबर जब चाहे अपने जीवन काल में अपने लाइफ में नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है। कितनी बार चेंज कर सकता है नॉमिनी को, कोई लिमिट है इसके ऊपर? नहीं, रोज सुबह उठे नया नॉमिनी चूज करें, कंपनी एक्ट को कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि जो आपका लास्ट अपॉइंटेड नॉमिनी होगा जिसके बारे में आप रजिस्ट्रार को बता के आएंगे वो आपकी डेथ के ऊपर या सोल मेंबर की डेथ के ऊपर कंपनी का मेंबर बनेगा। यानी कि नॉमिनी जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी अपनी इच्छा से कंसेंट अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहे वो भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि दोनों केसेस में अगर नॉमिनी ने अपना कंसेंट विड्रॉ किया या ओपीसी के मेंबर ने अपना नॉमिनी चेंज किया, रजिस्ट्रार को यह बात पता होनी चाहिए। इनफैक्ट जब नॉमिनी अपना जब मेंबर अपना नॉमिनी चेंज करता है उस केस में प्रोसीजर क्या बताया गया कि जो मेंबर है वो ये बात किसको बताएगा, कंपनी को बताएगा, और कंपनी ये बात आगे किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को बताएगी। आप समझे बेटा, मेंबर और कंपनी में यहां भी डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, लेकिन ओपीसी में आप समझेंगे होता कौन है, एक लोता पर्सन। तब भी क्या बोला गया है कि वो एक लोता पर्सन नॉमिनी चेंज कर रहा है, इस बात को किसको बताएगा, कंपनी को बताएगा, और कंपनी ये बात किसको इन्फॉर्म करेगी, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी। सो द मेंबर ऑफ ऑफिसर मेट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन बाय गिविंग ए नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। लास्ट बात जो ध्यान रखनी है बेटा, ये नाम आपने कहां मेंशन किया था नॉमिनी का, मेमोरेंडम में। आपका नॉमिनी जब चेंज होगा क्या वो मेमोरेंडम में चेंज है? यस, वो मेमोरेंडम में चेंज है, क्योंकि मेमोरेंडम में नाम चेंज हो रहा है तो मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन है। लेकिन मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कवर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 13, उसका बहुत सीरियस प्रोविजन दिया गया है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तक लेना पड़ता है आपको मेमोरेंडम में चेंज करने के लिए, या उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में या उसके नेम क्लॉज में किसी में भी चेंज करने के लिए। तो सवाल ये उठा कि अगर मैं नॉमिनी बदलना चाहता हूं तो वो क्या बनेगा, वो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम बनेगा कि मेमोरेंडम में चेंज आएगा, क्या सेक्शन 13 को फॉलो करना पड़ेगा? इस बात को बेटा सेक्शन 3 ने ही क्लियर कर दिया कि एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। यानी कि सेक्शन 13 जो लगना चाहिए था कायदे से उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया कि आपको वो वाली बातें पूरी चेंज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों किया गया? ताकि ज्यादा मुश्किल ना हो जाए नाम चेंज करना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने अप्रूवल लिए जाए सिर्फ किस बात के लिए कि एक पर्सन अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता है, तो उसको हमने ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम से बाहर किया, क्योंकि कायदे से वो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम बनता था अगर हमको करना चाहता। तब तक हमने क्या क्या किया, नंबर वन एक पर्सन का नाम बताना पड़ेगा, उस पर्सन का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा, जब वो चाहे अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, जब मेंबर चाहे नाम बदल सकता है। नाम बदलने का तरीका क्या होगा, कंपनी को इन्फॉर्म किया जाएगा और कंपनी आगे उसको इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को। किसी भी चेंज को क्या नहीं माना जाएगा, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कंपनी का नॉमिनी बनना है या कंपनी का सोल मेंबर बनना है, यानी कि ओपीसी बनानी है या उस ओपीसी में नॉमिनी रखना है, तो तीन बातें आप पूरी करेंगे। इनफैक्ट चार बातें हैं, तीन एक पॉइंट में, चौथी एक पार्ट में। पहली तीन बातें क्या हैं, आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, सेकेंडली आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, थर्डली आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। तीन बातें क्या क्या हैं, आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए जो इंडिया का सिटीजन हो, और इंडिया का सिटीजन होने के साथ साथ इंडिया का रेजिडेंट भी हो। बट सिटीजनशिप कहीं ना कहीं आपके बर्थ से डिसाइड हो जाती है। आप पूरे जीवन काल इंडिया का सिटीजन बने रहेंगे, मान लीजिए आप भारत में पैदा हुए, आप इंडिया के सिटीजन हमेशा रहेंगे जब तक आप अपनी इच्छा सिटीजनशिप छोड़े ना। लेकिन इंडिया का सिटीजन होने का मतलब क्या यही है कि आप इंडिया में ही रहते होंगे? नहीं बेटा, हम लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप कहीं जाके एक मैच करा लो क्रिकेट का, हम स्टेडियम भर सकते हैं, इतनी जनसंख्या है हमारे देश के पास, हम हर देश में है। तो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाते हैं वो लोग? नहीं। तो रेजिडेंटशिप किस बेस पर डिसाइड होती है, आपका स्टे इन इंडिया के बेसिस के ऊपर। तो उन्होंने तीन बातें बोली कि आप नंबर वन नेचुरल पर्सन होने चाहिए, यानी कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन, कोई कंपनी एक ओपीसी की मेंबर नहीं बनेगी, वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है ये काम। सेकेंडली वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और थर्डली वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए। अब एक पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा, क्या वो पिछले साल, पिछला कौन सा साल, कैलेंडर ईयर या प्रीवियस अपना फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अगर वो अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा हो, 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग
वन फाइनेंशियल ईयर, तो आप क्या हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एज वेल एज ओपीसी में क्या बनने के लिए, नॉमिनी बनने के लिए। तो तीन बातें कौन कौन सी है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, तभी आप ओपीसी बना पाएंगे या ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन पाएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, चौथी कंडीशन बेटा आप मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर आप माइनर हैं तो ना आप मेंबर बन सकते हैं ना आप नॉमिनी बन सकते हैं। तो चार बातें होती हैं, तीन उन्होंने एक पॉइंट में लिखी है, चौथी उन्होंने अलग से लिखी हुई है। पहले उन्होंने क्या लिखी है, नंबर वन आप नेचुरल पर्सन हो, सेकेंडली आप इंडियन सिटीजन हो, थर्ड आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। रेजिडेंट कब होते हैं, जब आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रहे हो। और फाइनली आप क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, माइनर को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। जल्दी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को नॉमिनी बनाने की कोशिश करते होते हैं, यही प्रोसेस है। हम लोग कभी बैंक अकाउंट खोलते हैं, कोई इंश्योरेंस लेते हैं, जल्दी लोग क्या करते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे को मिल जाएंगे पैसे, तो अपने बच्चे को नॉमिनी बना जाते हैं और बच्चा नॉमिनी माइनर भी हो सकता है। वन पर्सन कंपनी में ये बात नहीं चलेगी। वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी भी कौन होना चाहिए, एक मेजर होना चाहिए। यानी कि आप अपने बच्चों को तब तक नॉमिनी नहीं बनाएंगे जब तक वो 18 ईयर से ज्यादा के लिए ना हो जाए, इस बात को यहां ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां भी एक प्रॉब्लम आई है, अगेन उन बच्चों ने बेटा जो 1 अप्रैल 2021 दैट इज नवंबर 21 अटेम्प्ट के बाद अपियर होंगे। बेटा वन पर्सन कंपनी में भी चेंज आ गया है। वन पर्सन कंपनी में उन्होंने क्या चेंज किया, वन पर्सन कंपनी में उन्होंने जो ये वर्ड है रेजिडेंट इन इंडिया, ये वर्ड काट दिए हैं और इसकी जगह क्या लिख दिया है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। यानी कि अब आप समझेंगे, आफ्टर 1 अप्रैल 2021 प्रेजेंटली अगर कोई भी ओपीसी बनाना चाहता है उसको रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो कंडीशन छोड़ दी है, कौन कौन सी, नेचुरल पर्सन की और सिटीजन की। लेकिन अगर आप जून अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं तो मैं अगेन कह रहा हूं आप बांसी पढ़ के जाते हैं, तो आपको रेजिडेंट इंडिया लिखना है। लेकिन अगर आप नवंबर 21 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या लिखना है, रेजिडेंट इंडिया की बात नहीं लिखनी है। यहां पर वर्ड चेंज करके उन्होंने क्या लिख दिया है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इंडिया और नॉट इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो यहां एक छोटा सा चेंज आया है, इस कंडीशन को उन्होंने बदला है पेपर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा कि कोई भी नेचुरल पर्सन एक टाइम पर एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर या एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी नहीं होगा। आप एक टाइम पर एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हैं और एक ही ओपीसी में क्या हो सकते हैं, नॉमिनी हो सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए एक मिस्टर ए है, तो वो अगर एक ओपीसी बना लेते हैं ए प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी नाम से, तो वो दूसरी किसी ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकते। डज दैट मीन दिस कि आप एक ओपीसी के मेंबर होंगे, एक ओपीसी के नॉमिनी होंगे, तो अगर आप मेंबर बन गए तो आप नॉमिनी नहीं बनेंगे, आप नॉमिनी बन गए तो आप मेंबर नहीं बनेंगे। नहीं बेटा, आप मेंबर भी हो सकते हैं और साथ साथ एक ओपीसी में नॉमिनी भी हो सकते हैं। अगर आप एक ओपीसी में नॉमिनी है तो आप दूसरे में नॉमिनी नहीं बनेंगे, आप एक में मेंबर है तो दूसरी ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। लेकिन एक टाइम पर आप एक जगह मेंबर और एक जगह नॉमिनी रह सकते हैं। तो मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए है, इसने मिस्टर ए है, इन्होंने एक ओपीसी बनाई ए प्राइवेट लिमिटेड नाम से, इन्होंने मिसेज ए को अपना नॉमिनी बनाया, अपनी वाइफ को। ऐसी मिसेज ए है, इन्होंने एक ओपीसी बनाई और इसमें मिस्टर ए को नॉमिनी बनाया, ऐसा हो सकता है, कोई तकलीफ? दो अलग अलग इंडिविजुअल, एक जगह नॉमिनी है, एक जगह क्या है, मेंबर है, और थोड़े दिनों के बाद बेटा मिसेज ए की डेथ हो जाती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, सर यहां मिस्टर ए नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहां क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे, और इससे तकलीफ क्या होनी शुरू हो जाएगी। सर अभी एक ही टाइम पर दो जगह मेंबर हो गए, एक अपने में और एक उस वाली ओपीसी में जो वाइफ के नाम पर थी, लेकिन वाइफ की डेथ हो गई, तो इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन दो जगह मेंबर बन गया, जो एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है कि आप बाय अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ कितनी जगह मेंबर रह सकते हैं, एक जगह। इसका सोल्यूशन भी कंपनी एक्ट ने दिया, उन्होंने कहा जी अगर एक पर्सन एक जगह मेंबर है और दूसरी जगह नॉमिनी है, और दूसरी जगह नॉमिनी होने की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिनी इन अदर ओपीसी वो वहां भी मेंबर बन जाता है, तो ही कैन कंटिन्यू विद दिस पोजीशन फॉर मैक्सिमम 182 डेज। आप मैक्सिमम 182 दिन तक, 182 डेज ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आपको इस पोजीशन को करेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि या तो आपको यहां पर मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, इस ओपीसी को बंद करना पड़ेगा, या यहां पर
इस वाली ओपीसी को बंद करके किसी और को यहाँ पे मेंबर बनाना पड़ेगा। आप दोनों जगह सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि मैक्सिमम इमरजेंसी केस में दो लोग एक पर्सन दो जगह मेंबर बन सकता है, लेकिन सिर्फ कितने दिनों के लिए, 182 डेज के लिए। आइए दोनों पॉइंट को पढ़ जाएं। अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। पहली बात उन्होंने यह लिखी, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ ओपीसी बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी, क्यों, बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी। पॉइंट समझ आता है, एक पर्सन जो एक ऑफिसी में मेंबर था वो दूसरी ऑफिसी में भी मेंबर बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि वो वहां पर नॉमिनी होता था। देन सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज गिवन इन पॉइंट अबव, दैट मींस ये वाला पॉइंट कि एक पर्सन एक जगह होना चाहिए विद इन कितने समय, विद इन अ पीरियड ऑफ 182 डेज। माइनर वाली बात हमने कर ली कि माइनर को मेंबर ऑफ ऑफिसी या नॉमिनी ऑफ ऑफिसी नहीं बनाया जा सकता। देन और कुछ छोटी छोटी बातें, ओपीसी बेटा सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ना ही बाद में सेक्शन 8 के फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ऐसे ही आपकी ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, आपकी ओपीसी किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तीन बातें, नंबर वन, आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम नहीं कर सकते, ना बाद में इनमें कन्वर्ट कर सकते। आप ओपीसी बन गए हैं तो आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी कि लोन देने वगैरह के काम, इस तरह की बैंकिंग एक्टिविटी का काम नहीं कर सकते। साथ साथ आप किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाएंगे, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज अपने पास खरीद के एज इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकते। तीन रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इसके ऊपर लगाई हुई है, आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम नहीं करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करेंगे, या किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट के किसी भी और कंपनी के शेयर्स में पैसा नहीं लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा कन्वर्जन के ऊपर बात। एक बार आप ओपीसी की तरह इनकॉर्पोरेट हो गए, पहले 2 साल तक आप ओपीसी ही रहेंगे, आप वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 2 साल तक रिस्ट्रिक्शन है, 2 ईयर्स तक आप वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपल्सरी कन्वर्जन नाम की चीज भी है कंपनी एक्ट में। उन्होंने क्या कहा कि एक ओपीसी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए, जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ रेलेवेंट पीरियड, वर्ड क्या है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ रेलेवेंट पीरियड 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, वो ओपीसी कन्वर्ट करेगी अपने आप को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। ये जो लिमिट्स है ना बेटा, ये हूबहू स्मॉल कंपनी से मैच खाती है। आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए और साथ में आपका, उन्होंने वर्ड क्या लिखा था, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या वर्ड क्या है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ रेलेवेंट पीरियड, वो कितने से ज्यादा हो जाए, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो आप किसमें कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। यानी कि सर इस 2 साल से पहले भी अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया, या मेरा एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ रेलेवेंट पीरियड 2 करोड़ से ज्यादा हो गया और मेरा पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया, क्या मुझे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यस, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते 2 साल तक, लेकिन अगर इनमें से कई कंडीशंस पूरी हुई तो आपको प्राइवेट या नॉर्मल पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो हमने 2 तरीके देखे, या तो वॉलंटरली कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, या किसमें कर सकते हैं, आप कंपल्सरी कर सकते हैं। वॉलंटरी में रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, कि वॉलंटरी में आप 2 इयर्स तक वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपल्सरी वाली बात बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है। कंपल्सरी वाली बात में 2 कंडीशन है, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर जाती है 50 लाख को, और आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर किसका, रेलेवेंट पीरियड का, एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ को। अब ये रेलेवेंट पीरियड क्या होता है जिसका एवरेज निकालना है, ये रेलेवेंट पीरियड होता है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 साल का टर्नओवर उठाइए, उनका एवरेज निकालिए, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपल्सरली, किसी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या किसी पब्लिक कंपनी में। अच्छा सर मेरी एक कंडीशन पूरी होगी, मैं रातों रात चेंज कर लूंगा, रातों रात मुझे एक पर्सन और मिल जाएगा मेंबर बनाने के लिए, रातों रात मुझे 6 पर्सन और मिल जाएंगे या मेंबर बनाने के लिए, मुझे नए डायरेक्टर भी मिल जाएंगे करने के लिए, ऐसा हो जाएगा? नहीं बेटा, उन्होंने ये करने के बाद आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया कि आप 6 महीने के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएं, एक प्राइवेट कंपनी में या एक
नॉर्मल पब्लिक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में कंटेनिंग 2 मेंबर्स, एक पब्लिक कंपनी में कंटेनिंग मिनिमम 7 मेंबर्स, और अगर आपने ये कंडीशंस पूरी नहीं करी तो आपके ऊपर फाइन है ऑफ ए मिनिमम ऑफ ₹10,000 प्लस 1,000 पर डे फॉर विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। फाइन है आपके ऊपर 10,000 प्लस 1,000 फॉर एवरी डे फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ये आपकी पूरी कहानी है कि वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकते 2 साल तक। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और एवरेज टर्नओवर ऑफ रेलेवेंट पीरियड 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आप कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, भले ही वो 2 साल से पहले हो जाए या 2 साल के बाद हो। कितने समय में करेंगे? 6 मंथ, जिसमें आप एक कंडीशन मीट करिए उस डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर करेंगे, या तो प्राइवेट में चले जाएं या पब्लिक में चले जाएं, आपकी इच्छा। और अगर ऐसा नहीं करते या कोई कंडीशंस पूरी नहीं करते तो 10,000 रुपीस प्लस 1,000 पर डे फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, इसका आप फाइन देंगे। दिस इज आपका 1% कंपनी का पूरा कंसेप्ट। नीचे मैंने मेंशन कर दिया कंसेप्ट में, द 1% कंपनी कैन नॉट वॉलंटरली कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ₹50 lakh और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स ₹2 crore। A 1% company shall cease to be entitled to continue as a 1% company if its paid up share capital exceeds ₹50 lakh and its average annual turnover during the relevant period exceeds ₹2 crore. Relevant period means the period of immediately preceding 3 consecutive financial years. पिछले 3 साल का turnover निकालिए, average निकालिए, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको किसमें convert करना पड़ेगा अपने आपको, private company में या किसी public company में। Within 6 months आपको ये कन्वर्ट करना है, और नहीं करते हैं तो फाइन क्या है? 10,000 rupees एंड विद फर्दर फाइन रुपीज 1,000 एवरी डे। अगेन एक अमेंडमेंट बेटा ओवर उन बच्चों के लिए जो नवंबर के स्टूडेंट्स हैं। ये सारी बातें ओपीसी वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकती, कंपल्सरली कन्वर्ट करेगी, 6 महीने का टाइम मिलेगा और ₹10,000 प्लस 1,000 का फाइन लगेगा, सारी बातें काट दी गई हैं, ये अब अप्लाई नहीं होती हैं। आज की डेट में ओपीसी अपनी इच्छा से जब चाहे कन्वर्ट हो, जितनी बार मर्जी कन्वर्ट हो, पहले दिन कन्वर्ट हो जाए, 1 महीने बाद कन्वर्ट हो जाए, टर्नओवर जब मर्जी हो तब भी आप कंटिन्यू करते रहे। आपका बेटा 4 करोड़ का टर्नओवर हो गया, आप नहीं चाहते, आप ओपीसी की तरह काम करना चाहते हैं, करें। आप पहले दिन ओपीसी बने, दूसरे दिन आपका मन किया कि नहीं हमें ओपीसी नहीं रहना, कन्वर्ट कर जाए, कोई इच्छा नहीं है। ये जो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 साल तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, टर्नओवर इतना हो गया तो करेंगे ही करेंगे, 6 महीने में कन्वर्ट करेंगे, 1st of April 2021 के बाद ये चारों पॉइंट नीचे वाले काट दिए गए हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स फॉर November 21। हाँ, June 21 में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये आ सकता है, बट पॉइंट वही है कि क्योंकि अब रेलेवेंट नहीं रहा, चांसेस बहुत कम है इंस्टीट्यूट पूछेगा, क्योंकि अभी आप समझेंगे पेपर जब वो बनाएगा उसको ही पता है अमेंडमेंट आ चुकी है, ये चीज रेलेवेंट नहीं रही है, आउटडेटेड हो चुकी है, तो आउटडेटेड बातें जल्दी नहीं पूछता कि वो आपसे पूछे। स्टिल आपको ये बात याद होनी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है पास्ट में कि क्या ओपीसी कन्वर्ट कर सकती है वॉलंटरली 2 सालों के अंदर अंदर। जून में आप आंसर लिख के आएंगे नहीं कर सकती, नवंबर में आप आंसर लिख के आएंगे कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई 2 साल वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, अब कोई टर्न वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। बेटा मैं नवंबर की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भगवान ना करे जून में बैठने के बाद नवंबर में दोबारा बैठना पड़ जाए, तो उस केस में बातें पता होनी चाहिए। फिर आप मुझे फोन करके पूछते सर अमेंडमेंट कहां है, अमेंडमेंट कहां है, इसलिए साथ साथ ही मैं अमेंडमेंट भी कवर करता जा रहा हूं कि इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी, बस यही अमेंडमेंट है। बेसिकली 2 मेजर अमेंडमेंट है, स्मॉल कंपनी की लिमिट्स बदली है, ओपीसी के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर वाली बात, सॉरी रेजिडेंट वाली बात है वो बात काट दी गई है, और जो नीचे कन्वर्जन वाली बात है वो काट दी गई है। जून के लिए अप्लाई नहीं करता है, नवंबर अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करता है, बाकी पूरे कंपनी एक्ट में कोई चेंज नहीं है, बाकी एक्ट में चेंज वैसे भी नहीं आता है, बाकी सारा सिलेबस सेम रहेगा। चलिए 1% कंपनी खत्म होता है, इसके बाद बेटा प्राइवेट कंपनी का हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में हमने देखा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, 2 स्पेशल तरह की देखी, स्मॉल कंपनी देखी और साथ में ओपीसी देखी। एक आधा क्वेश्चन जो प्राइवेट कंपनी के रेस्पेक्ट में और आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन है बेटा। एक वो पूछता है कि प्राइवेट कंपनी को क्या एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस मिली हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर। एक प्राइवेट कंपनी अगर आप हैं तो कंपनी एक्ट किस किस जगह पर आपको परेशान नहीं करता, उसने क्या क्या छूट दे रखी है आपको। और एक क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिस्टिंग्विश कर दीजिए। 2 क्वेश्चन है जो प्राइवेट कंपनी से और बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो बनाता है, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। नंबर 1, बेटा क्या क्या छूट दिखती है
सर प्राइवेट कंपनी ना दो लोगों से बन जाती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, छूट जैसी फीलिंग देती है कि हाँ आसान है बनानी। ऐसी प्राइवेट कंपनी में आपके पास मिनिमम 2 डायरेक्टर हो काम चल जाता है, पब्लिक कंपनी के अंदर आपको एटलीस्ट 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, दूसरी छूट लगती है हमें। थर्डली बेटा प्राइवेट कंपनी, ये जो हमारे नीचे वाले पॉइंट है इनको हम एक लर्निंग स्किल से याद करते हैं, IANS, क्योंकि चारों पॉइंट बेटा आपके सिलेबस से बहुत आगे की बातें करते हैं, इसलिए हमें इन चारों पॉइंट को रटना पड़ता है। हार्श रियलिटी, ये आपको समझ नहीं आते हैं इस समय, लेकिन चारों पॉइंट इस समय याद रखने पड़ते हैं कि हाँ प्राइवेट कंपनी को ये 4 छूट मिलती हैं। आई नंबर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ए स्टैंड फॉर ऑडिट कमेटी, एन स्टैंड फॉर नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, एस स्टैंड फॉर स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। फिर से आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ए स्टैंड फॉर ऑडिट कमेटी, एन स्टैंड फॉर नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, एस स्टैंड फॉर स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। ये चारों चीजें आपके प्राइवेट कंपनी को नहीं चाहिए होती, आपकी प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाने होते। आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे इंटर के अंदर या सॉरी फाइनल के अंदर, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम की एक चीज होती है कि कंपनी के अंदर कुछ डायरेक्टर आपको ऐसे बिठाने पड़ते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जो कंपनी में शेयर ना रखते हो, कंपनी से रिलेटेड ना हो, ताकि वहां एक इंडिपेंडेंट वॉइस हमेशा रहे जो प्रॉफिट और लॉस से ऊपर उठ के क्या बात सही और गलत क्या है उसके लिए आवाज उठाए। क्योंकि बेटा आप समझे, कंपनी में अगर आपके पैसे लग गए ना तो फिर सही और गलत डस्टबिन में चला जाता है, फिर मुद्दे की बात क्या होती है, फायदा किस चीज में है, क्योंकि आप भी कंपनी के शेयर होल्डर है, आपको भी फायदा फायदा दिख रहा होता है। तो वो चाहते हैं कि पब्लिक कंपनियों के अंदर एटलीस्ट कुछ बंदे ऐसे बैठे हों जो निष्पक्ष बैठे हैं वहां पर, जिनको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी ये काम करने से या लॉस में जाएगी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का कंसेप्ट है, लेकिन वो सिर्फ कहां होते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी बनाई जाती है, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई जाती है। ये 3 कमेटीज होती हैं जो कंपनी एक्ट के हिसाब से बनानी होती है एक पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को इनको बनाने से क्या दी गई है, छूट दी गई है। अनफॉर्चुनेटली बेटा ये सिलेबस से बहुत बाहर की बातें हैं, इवन इंटर लेवल पे भी कवर्ड नहीं है, फाइनल लेवल पे कवर्ड है। फिलहाल इस समय आप इनका सिर्फ नाम याद करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ना इतना टाइम है ना इस समय जरूरत है कि हम इनके बारे में डिटेल में जाएं ये क्या होती है, पर्पस क्या है। पेपर में नाम दे के आना है, हम इनका नाम दे आएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये बनाने की जरूरत हमें नहीं होती। अच्छा आप बच्चे पता है एग्जेम्पशन में क्या लिखते हैं, सर प्राइवेट कंपनी को ना अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लगाना होता है, ये कोई एग्जेम्पशन है? कौन सा मजा आ जाता है आपको पीवीटी ना लगा के, ऐसी कौन सी छूट है जो आप पेपर में लिख के आ रहे हो इस बात को? आई बेटा ये डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है, आप बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे होते। इस क्वेश्चन में वो पॉइंट ठीक है कि दोनों में अंतर है, आपने अंतर ढूंढ लिया, या वो अंतर नहीं पूछ रहा आपसे, या वो आपसे पूछ रहा है कहां कहां पर प्राइवेट कंपनी को छूट मिली हुई है। अब पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना और लिमिटेड वर्ड ना लगाना, ये कोई छूट लग रही है आपको? क्या छूट मिल गई अगर आपको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है? दूसरा बच्चा लिखता है कि सर एक प्राइवेट कंपनी को ना प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना होता, जबकि एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ये छूट है? हाँ सर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना होता। बेटा ये छूट नहीं है, ये डिसएडवांटेज है प्राइवेट कंपनी होने का, कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। आपको पैसा कहां से अरेंज करना पड़ता है? अपने जान पहचान के लोगों से। ये कहीं से प्रिविलेज नहीं है, ये तो रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। आप इसको भी कहां लिखाते हैं प्रिविलेज में डाल के, ये प्रिविलेज है। बड़ा अच्छा प्रिविलेज है कि मैं दुनिया से पैसे नहीं इकट्ठे कर सकता, अपने घर वालों से पैसे इकट्ठे कर सकता, ये प्रिविलेज है कहीं का? ये नुकसान है एक प्राइवेट कंपनी होने का, कि अब आपको लिमिटेड सोर्सेज रह गए जहां से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो, इनको मत लिखाना प्रिविलेजेस के अंदर। ये सारे पॉइंट कहां चल जाएंगे, डिफरेंसेस में चल जाएंगे, कि डिफरेंसेस में आप प्रिविलेज की बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब बच्चा यही हरकत करके आता है पेपर में और क्या क्या कहता है, सर मैं 6 पॉइंट लिख के आया था प्रिविलेज के अंदर, मिले 2, क्योंकि उसमें 4 तो प्रिविलेज थे ही नहीं कभी। फिर आप पेपर में आगे एग्जामिनर को गाली देते हैं कि वो मार्क्स काट लेता है, कुछ अपनी गलती भी समझे। इस तरह की हरकतें मत करें पेपर में, इसलिए मैं कहता हूं ये 4 पॉइंट रटें। ये IANS वाले पॉइंट क्यों नहीं याद होते, क्योंकि ये सिलेबस से लेना देना नहीं रखते, बच्चों को ये 4 पॉइंट नहीं आते। सर वो पॉइंट का इन्वेंशन करता है वहां बैठ के, कि मैं अब आ तो गया पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन, आते 2 पॉइंट है बाकी पैदा करूं। वो पैदा करने वाले पॉइंट कटने ही कटने वाले, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई प्रिविलेज होती ही नहीं है, कहां से निकाल लोगे आप प्रिविलेज?
तो इंस्टीट्यूट यही पॉइंट एक्सपेक्ट करता है और यही देने हैं प्रिविलेज के अंदर। तुम्हारे पास टोटल कितने पॉइंट हो गए प्रिविलेज के अंदर, अगर आप चाहें तो बेटा छह भी बना सकते हैं। ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप वाला पॉइंट छठा पॉइंट बना देना, अगर पेपर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम लिखा है मैंने नॉमिनेशन और स्टेक होल्डर कमेटी दोनों एक ही पॉइंट में कवर कर लिया, वरना आप IANS चार पॉइंट ये बनाएंगे और साथ में एक पर्सन वाला और एक डायरेक्टर वाला, मेंबर वाला और डायरेक्टर वाला दो पॉइंट वो बनेंगे, छह पॉइंट आपके प्रिविलेजेस के यहां से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, यहां दिल खोल के जो डिफरेंस लिखना है लिखे, यहां कोई दिक्कत नहीं। यहां पहला पॉइंट किसका बनेगा, मेंबर से रिलेटेड, कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दो चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी में सात चाहिए होते हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती। अब जनरली बेटा बच्चा करता क्या, इसके दो पॉइंट बना देता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बनाइए, छूट है, फाउंडेशन लेवल के बच्चे हैं, इस तरह की हरकत इंस्टीट्यूट बर्दाश्त कर लेता है कि चलो एक पॉइंट का जबरदस्ती दो बनाया। हाँ, ये डिफरेंस मत लिखना, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर 2 clause 68, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर 2 clause 71, ये अतः बदतमीजी है, इंस्टीट्यूट इस लेवल की चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक सेक्शन नंबर याद होने से हमने उसका भी क्या बना डाला, पॉइंट बना डाला, ये पॉइंट नहीं है, ये इस तरह के पॉइंट बर्दाश्त नहीं होंगे। तो हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का अलग अलग पॉइंट बनाया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट किसका आएगा, डायरेक्टर से रिलेटेड, जहां आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स का काम भी साथ साथ निपटा दें, कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए, दो, और पब्लिक कंपनी में तीन, यहां पर हमारे तीन पॉइंट खत्म होते हैं ये वाले। फिर आप वो वाले पॉइंट दे सकते हैं कि एक केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं किया जा सकता, दूसरे केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जा सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये हम पढ़ के आए, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक कंपनी में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई सकती। प्रोस्पेक्टस वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, डायरेक्टर वाला कवर किया। इसके अलावा आप चाहें तो बेटा नेम वाला पॉइंट भी कवर कर सकते हैं, आपकी बुक इसलिए नहीं डालती क्योंकि नेम वाली बात आगे के सेक्शंस में है, लेकिन स्टिल आप कवर कर सकते हैं कि नेम प्राइवेट लिमिटेड में विद एंड होना चाहिए विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में एंड होना चाहिए विद द वर्ड्स लिमिटेड, चलेगा, अंडरस्टैंडेबल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या है, एग्जेम्पशंस, कि प्राइवेट कंपनी को कई तरह के एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, आप चाहें तो दो तीन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लाइक ऑडिट कमेटी नहीं अपॉइंट करनी होती, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए होता, नॉमिनेशन नेमिनेशन कमेटी नहीं चाहिए, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी नहीं चाहिए, और दूसरे साइड में आप क्या लिख देंगे, पब्लिक कंपनी में इसको किसी तरह की कोई एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास प्रैक्टिकली देखें तो बेटा सात पॉइंट है, डू नॉट एक्सपेक्ट सात मार्क्स से ऊपर, कंपनी एक्ट में वैसे भी क्वेश्चन तीन चार नंबर से ऊपर नहीं आता। सर अगर चार नंबर का आ जाए तो चार पॉइंट दे के ही रुक जाऊं, नहीं, सारे दे आइए, जब तक इंस्टीट्यूट पेपर में लिख के ना पूछे गिव एनी फोर पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू, तब तक चार मत लिखिए। बट हमने जो प्रैक्टिकल टीचर्स का एक्सपीरियंस देखा है, जो शीट चेक होके आती है, जब आप चार लिख के आते हैं मार्क्स कटे हुए होते हैं, एग्जामिनर फिर आपको चार में से तीन या दो दे रहा होता है, अगर आते हैं तो लिखा है साथ के साथ पॉइंट, हार्डली दो मिनट लगते हैं लेकिन वो रिस्क खत्म हो जाता है कि एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। ज्यादातर एग्जामिनर दे देंगे चार पॉइंट पर चार मार्क्स, लेकिन कुछ मिलेंगे ऐसे एग्जामिनर जो आपको चार में से चार नहीं दे रहे होंगे, वो वहां पे तीन या दो दे रहे होते हैं। हम चैलेंज नहीं कर सकते बाद में एग्जामिनर को इस बात के ऊपर कि मार्क्स क्यों काट लिए, बी ऑन सेफ साइड, अगर आते हैं पॉइंट तो उस नॉलेज का क्या करोगे, घर लाके किसको सुनाओगे, रस्ते बस वाले को सुनाते हुए आओगे, तीन पॉइंट और आते थे मैं पेपर में लिख के नहीं आया, लिखा है पेपर के अंदर, किस दिन के लिए याद कर रहे हैं, लिखने के लिए तो याद कर रहे हैं पेपर में, आप कहते हैं नहीं बचा के जाऊंगा नॉलेज, सर कहीं काम आएगी, कहीं नहीं काम आएगी, उसको पेपर में लिखा है निकाला है वहां पर जो भड़ास निकालनी है। चलिए विद दिस वी आर डन विद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, और सेकंडली हमारे प्राइवेट कंपनी के एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस, इसके साथ हमारा बेस्ड ऑन मेंबर वाला पॉइंट पूरा कवर हो जाता है। चलिए आगे आ जाए, अगर बेस्ड ऑन लाइबिलिटी की बात करें तो बेटा बेस्ड ऑन लाइबिलिटी पे पब्लिक कंपनी कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज अगेन, इट कैन ईदर बी अ लिमिटेड कंपनी और इट कैन ईदर बी अ अनलिमिटेड कंपनी। पहले हम बात करते हैं लिमिटेड कंपनी की और फिर हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की। लिमिटेड कंपनी की बात करें तो अगेन लिमिटेड कंपनी बेटा दो तरह की होती है, इट कैन ईदर बी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी। हम पहले ये बात लैंग्वेज हम पढ़ के आए। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी भी बेटा दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी विद शेयर कैपिटल और इट कैन बी विदाउट शेयर कैपिटल। अब ये बात क्लियरली कहीं लिखी नहीं है एक्ट में, लेकिन भाषाओं से अलग अलग जगह समझ आता है कि गारंटी कंपनी दो तरह के रूप धारण कर सकती है, इट कैन बी विद शेयर कैपिटल और इट कैन बी विदाउट शेयर कैपिटल। पहले तो सेक्शंस की आप बात कर लें, हमारे पास बेटा तीन सेक्शंस हैं जो इसे डील करते हैं, 2 clause 21, 2 clause 22, 2 clause 92, 21, 22, 92, तीन सेक्शंस हैं जो हमारे पास बात करते हैं।
21 बात करता है लिमिटेड बाय गारंटी की, 22 बात करता है लिमिटेड बाय शेयर्स की, और 92 बात करता है अनलिमिटेड की। सिर्फ लिमिटेड कंपनी क्या होती है कंपनी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। कंपनी एक्ट में तीन चीजें डिफाइंड है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। अपने आप में लिमिटेड कंपनी क्या होती है ये नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने सीधा बताया लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और क्या होती है अनलिमिटेड होती है। तो 2 clause 21 गारंटी, 2 clause 22 लिमिटेड बाय शेयर्स एंड 2 clause 92 अनलिमिटेड। अच्छा अब इनके बारे में बात करते हैं। सर लिमिटेड में मतलब क्या होता है, हमें समझ आता है कि लायबिलिटी पर लिमिट होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी कंपनियां जहां मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई लिमिटेड नहीं, कोई लिमिट नहीं होती, दैट मींस जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो भी क्या होती है अनलिमिटेड। सर ऐसी कंपनियां होती हैं बेटा, कंपनियां खुद कह रहा है ऐसी कंपनियां होती हैं, या ऐसी कंपनियां इंडिया में हो सकती हैं, हैं कि नहीं ये बात अलग है। प्रैक्टिकली कोई क्यों बनाएगा अनलिमिटेड कंपनी, क्योंकि जो मेजर बेनिफिट है वो तो खत्म ही हो जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, जब आपके घर आके फिर आपके सोफे उठा के ले जाने हैं उन्होंने, घर आपके आके आपके घर बिकवा देने हैं उन्होंने, तो फिर मैं कंपनी क्यों खोलूं, फिर तो पार्टनरशिप ही अच्छी थी, फिर तो वो इंडिविजुअल बिजनेस ही अच्छा था ना, सरदर्दी जो मर्जी करते रहो, ये इतना सारा तामझाम करें, कंपनियां बनाए, इनकॉर्पोरेशन करें, दुनिया जमाने के डॉक्यूमेंट दें, फिर भी क्रेडिटर घर आके खड़े हो जाए तो क्या ही फायदा। तो प्रैक्टिकली आप समझेंगे अनलिमिटेड इसलिए ज्यादा बेनिफिट नहीं देती, लेकिन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इवन कंपनी एक्ट में प्रोविजन है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी एक्ट के तहत हमेशा मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही होने वाली है कंपनी एक्ट के अंदर। देयर कैन बी केसेस जहां क्या हो सकती है अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, और ये बात 2 clause 92 में क्लियरली लिखी हुई है। अच्छा ज्यादातर क्या होती है सर, इसी पर्पस के लिए बनाई जाती है कि लिमिटेड होंगी। अब लिमिटेड सर हमने दो तरह के देखे, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। मैंने आपको लैंग्वेज दिखा दी थी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में अंतर क्या होता था। सर लिमिटेड बाय शेयर्स में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है किस अमाउंट तक, द अमाउंट इफ एनी ऑन द अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स और शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। हमने क्या लिखा, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ये बात कहां लिखी होती है, मेमोरेंडम एसोसिएशन। बट एक क्लॉज होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन में, कौन सा क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज, सॉरी कैपिटल क्लॉज नहीं, लायबिलिटी क्लॉज। इस लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा जाता है कि कंपनी की लायबिलिटी किस तरह की है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और अगर लिमिट कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बोलती है, हमने कहा डेफिनेशन बोलती है एक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स ऑफ द कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम और द और सब्सक्राइब्ड बाय देम। और एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, लैंग्वेज भी हमने पढ़ी थी, वो कंपनी जहां पे लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू अमाउंट एज द मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंटिन्यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बींग वाइंडिंग अप। लैंग्वेज हम पढ़ के आए ऑलरेडी पहले पीछे से, लिमिटेड बाय शेयर्स में कहां पर होती है, द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, और लिमिटेड बाय गारंटी में द अमाउंट दे अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पर लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है बाय मेमोरेंडम किस पे, टू द अमाउंट विच दे अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा यहां पर हमने देखा कि ये दो तरह की हो सकती है, ये विद शेयर कैपिटल हो जाती है, ये विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, सर विदाउट शेयर कैपिटल में तो हमें समझ आता है कंपनी के पास ना शेयर कैपिटल ही नहीं है। सर ऐसी कंपनियां चलती कैसी हैं फिर, जब शेयर कैपिटल नहीं है तो पैसा कहां से लाती हैं, सर ये गारंटी का अमाउंट ले लेती होंगी, गारंटी का अमाउंट ले लेती हैं, यहां से पैसा आता है। नहीं बेटा, गारंटी का अमाउंट हमेशा कब मिलता है, वाइंडिंग अप के दौरान, यानी कंपनी चलाते समय यह पैसा नहीं आने वाला, यह पैसा कब आएगा, अगर वाइंडिंग अप पे जरूरत पड़ी तो आएगा। सर वाइंडिंग अप पे जरूरत पड़ी तो मतलब क्या, वाइंडिंग अप पे जरूरत नहीं भी पड़ सकती, यस,
बेटा वाइंडिंग अप पे ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस था, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना बेचा जब लूट जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं तभी कंपनियां बंद होती हैं, खुशी खुशी भी कंपनियां बंद होती हैं कई बार कि नहीं काम करना, तो उस केस में क्या होगा, सरप्लस होगा, कुछ नहीं मंगवाएंगे मेंबर से। हाँ अगर लूट बर्बाद गए तो फिर मेंबर से बुलाएंगे और कितना कितना मंगवाएंगे, जितना जितना उन्होंने अंडरटेक किया था, प्रॉमिस किया था। तो ये तो मैं समझ आ गया सर, विदाउट शेयर कैपिटल में पैसा ड्यूरिंग द कंपनी नहीं आता तो फिर ये कंपनियां काम कैसे करती हैं, पैसा कहां से लाती हैं? बिना पैसों के काम करती होंगी सर, बिना पैसों के काम होते हैं? कोई काम है दुनिया में जो बिना पैसे के हो जाता है? बेटा इवन जो चैरिटी के काम है ना, लंगर चलाना, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, कोई ना कोई पैसे लगाए रहा होता है, बिना पैसों के कुछ नहीं होता, तो ये कंपनी कहां से चलाती होगी काम? सर और कई तरीके हैं, लोन ले लेती हैं, क्योंकि कोई ऐसा काम करती हैं जिसमें पब्लिक वेलफेयर है, चैरिटी मिल जाती है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स मिल जाते हैं, तो वहां से पैसा ले लेके ये काम चलाती रहती है। डोनेशन हो सकती है, कोई ऐसा तरीका है जहां मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं कि हर महीने कोई रेंट देते हैं, जैसे बड़ा क्लब्स वगैरह होते हैं, तो उस तरह का मेंबर को शेयर होल्डिंग नहीं मिलती, उसके बदला एक तरह से किराया होता है हर महीने का, हर महीने की मेंबरशिप फीस होती है, वहां से पैसा आ जाता है। तो इनको पता था कि हम इस तरह का काम करते हैं कि हमें इनिशियल कैपिटल की जरूरत नहीं है, हमारे पास और तरीके से पैसा आ जाएगा। तो इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। तो यहां तो आपको समझ आया कि यहां पर सिर्फ मेंबर की एक ही लायबिलिटी होती है, और कौन सी लायबिलिटी होती है, वाइंडिंग अप के दौरान जो गारंटी का अमाउंट है जो उसने अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट किया है वही पैसा देना होता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कंपनी लिमिटेड गारंटी विद शेयर कैपिटल हो, यानी कि जब कंपनी बन रही थी उसने मेंबर को शेयर भी दिए, ऑब्वियसली शेयर किसी फेस वैल्यू का होगा, मान लीजिए बेटा उसने 10 रुपए का शेयर भी दिया, उसके ऊपर 6 रुपए पेड अप भी करवाया उस समय, और साथ साथ मेंबर को कहा कि आप गारंटी का अमाउंट भी दीजिए, यानी कि गारंटी भी लीजिए, और उसने गारंटी ले ली हर मेंबर से कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हर मेंबर अप टू ₹1 लाख और देगा, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख की गारंटी है। तो ये कौन सी कंपनी बनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल। अब इन कंपनियों में क्या होगा बेटा, लाइबिलिटी ना ड्यूएल होती है, मेंबर को ये 4 रुपए भी देने पड़ते हैं, यानी कि अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर भी देना पड़ता है, प्लस जो अमाउंट ऑफ गारंटी है वो भी देना पड़ता है, लेकिन दोनों अमाउंट के देने के टाइम में डिफरेंस होता है। जो ये 4 रुपए वाला अमाउंट है ये तो कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ भी मांग सकती है या वाइंडिंग अप पे भी मांग सकती है, ये बात समझते हैं बेटा। जो ये अमाउंट अनपेड ऑन शेयर होता है ये ड्यूरिंग द लाइफ भी मांगा जा सकता है, उसको मांगने के लिए क्या करते हैं सर, कॉल देते हैं, जो मेंबर पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th 12th में, सर कॉल आती है शेयर की कि कॉल पे कर दीजिए, तो ये 4 रुपए कॉल देके जब मर्जी चाहे कंपनी मंगवा सकती है, मेंबर को देना पड़ता है, या सर ये 4 रुपए मंगवाने ही नहीं पड़े, उससे पहले ही कंपनी बंद हो गई तो ये 4 रुपए क्या तब मंगवाए जा सकते हैं, यस तब भी मंगवाए जा सकते हैं। तो जो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर होता है ये ड्यूरिंग द लाइफ भी मंगवाया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी मंगवाया जा सकता है, लेकिन जो ये गारंटी का अमाउंट है ये सिर्फ कब मंगवाया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो आप समझे बेटा इस केस में मेंबर की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, ड्यूअल लाइबिलिटी हो जाती है। ड्यूअल लाइबिलिटी का मतलब द मेंबर इज लाइबल टू पे द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम एज वेल एज ही इज लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ गारंटी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन जो अमाउंट अनपेड है इट कैन इवन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, लेकिन जो गारंटी का अमाउंट है वो सिर्फ कब कॉल होगा, वाइंडिंग अप के दौरान। यानी कि आप समझ आता है हमारा कंसेप्ट क्या हो गया कि सर विद शेयर कैपिटल में गारंटी वाली बात तो चलती ही रहेगी, लेकिन वो अनपेड वाली बात और साथ में जुड़ के आ जाएगी कि अनपेड वाला अमाउंट है वो भी मांगा जा सकता है, अनपेड वाला अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी भी मांगा जा सकता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी मांगा जा सकता है। तो ये बात हमें शेयर में भी समझ आ गई सर, जो हम बोलते हैं जो अमाउंट अनपेड इन द अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम ये कब कब मांगा जा सकता है, सर ये लाइफ में भी मांगा जा सकता है और वाइंडिंग अप पर भी मांगा जा सकता है, अगर कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। गारंटी है तो शेयर्स वाली बात तो चलती रहेगी, साथ में गारंटी वाला अमाउंट भी जुड़ जाएगा। हाँ यहां पर ये प्योरली गारंटी वाली कंपनी है जहां पे मेंबर को एक तसल्ली होती है कि पैसा सिर्फ कब मांगा जाएगा, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाए और उस समय कंपनी को पैसे की जरूरत पड़े। और लास्टली कौन सी आ गई हमारे पास, अनलिमिटेड कंपनी। यहां पर मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन बेटा जब हम कहते हैं ना मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है,
उस अनलिमिटेड वर्ड में भी एक लिमिट छुपी हुई होती है। आप कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड में भी एक लिमिट छुपी होती है। कौन सी लिमिट छुपी होती है सर? वो लिमिट जो जिससे कंपनी के असेट्स उसकी लायबिलिटी से कम पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक कंपनी में मैं अनलिमिटेड कंपनी में मैं मेंबर था, कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी घर आगे खड़ी होगी, कहते 12 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा क्यों दे दूं 12 लाख रुपए? उन्होंने कहा वैसी अनलिमिटेड लायबिलिटी दे दो। मैंने कहा कोई कुछ लॉस कुछ तो कैलकुलेट करके बताओ। उन्होंने कहा लॉस तो सर भगवान की दुआ से बस 2 लाख का ही हुआ है, सारी प्रॉपर्टियां बेच दी, सारे लायबिलिटी पे कर दी, सिर्फ 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो आप लेकिन 12 दे दो। मैंने कहा क्यों? कहता बस आपसे लेंगे, उसके बस अगले से जाके 10 लेंगे, ऐसे जितनी इकट्ठा हो जाएगा शाम तक बस ठीक है, शाम को घर ले जाएंगे। ऐसे होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में। नहीं सर, यहां भी जब हम कहते हैं ना कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड किस हद तक होती है? टू द अमाउंट या द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू रिइंबर्स द अमाउंट बाय विच द असेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ द लायबिलिटी। कंपनी के असेट और लायबिलिटी में जो डिफरेंस रहेगा ना, जो शॉर्टफॉल होगा, उतना ही तो मांग सकते हो, उससे ज्यादा थोड़े ना मांग सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं बेटा, जब मेंबर आप कहते हो ना कि मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो क्या एक्चुअल में अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड मतलब क्या है? अनलिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस, कि जितना लॉस है उतना सारा का सारा आप मांग सकते हो, उससे ज्यादा तो उससे भी नहीं मांग पाओगे, क्योंकि ये थोड़ी ना खराब बट रही है कि जितना मर्जी मेंबर से मांग लो कि भैया दे दो पैसे क्योंकि तुम्हारी अनलिमिटेड थी, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये वर्ड अक्सर किताबों में लिखे नहीं होते कि इट कैन बी लिमिटेड टू द अमाउंट बाय विच द असेट्स ऑफ द कंपनी फॉल शॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। वो इसको क्या लिख देते हैं? अनलिमिटेड है। क्योंकि अनलिमिटेड क्यों लिखते हैं? क्योंकि पहले दिन आपको ये पता नहीं होता वो कितना मांग लेंगे। लिमिटेड में फायदा क्या होता है? पता होता है हद से हद कितना मांग लेंगे। अनलिमिटेड में ये हद नहीं पता होती, लेकिन इसलिए हम क्या बोल देते हैं अनलिमिटेड। लेकिन अनलिमिटेड में भी क्या कोई हद होती ही है? लेकिन वो हद निकल के कब आती है? जब एक्चुअल में वो दिन आता है। इसलिए आज मुझे डर लग रहा होता है कि ये फिगर 2 लाख भी हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है, ये 6 भी हो सकती है, ये 10 भी हो सकती है, ये 12 भी हो सकती है। इसलिए आज इसको क्या बोल दिया जाता है? अनलिमिटेड बोल दिया जाता है। तो अनलिमिटेड में क्या लिखा है? कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, इन सच केस द कंपनी ऑफ द इन सच ए केस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर। आपको समझ आएगा, आप मेंबरशिप छोड़ गए उससे पहले ही कि वाइंडिंग अप आ जाए तो आपकी मेंबरशिप की बात खत्म हो जाएगी। ये तो हर जगह ऐसे ही होता है। देन द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। ये बात समझ आती है सर? कंपनी में मैं एकलौता ही होऊंगा जो पैसे दे रहा होगा? नहीं, कंपनी का टोटल लॉस कितना है? मान लीजिए 2 लाख रुपए का। कंपनी 2 लाख मुझसे भी ले लेगी, बी से भी ले लेगी, सी से भी ले लेगी, सी सबको जा जाके क्या बोलती रहेगी? 2 लाख का नुकसान हो गया, लाओ 2 लाख दे दो, 2 लाख का नुकसान हो गया। बेटा 10 मेंबर है, सबसे 2-2 लाख ले आई, इकट्ठे कितने कर लिए? 20 लाख रुपए। नुकसान कितने का था? 2 लाख। 18 लाख रुपए डायरेक्टर घर ले गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसे लॉस तो रोज होने चाहिए कि चलो सबको उठाओ पैसे घर चलो। ऐसा होता है नहीं। टोटल कितनी होती है? 2 लाख। सर आप पहले मेंबर की लिमिट 20,000, ऐसा होता है? नहीं, पहले की लायबिलिटी 2 लाख, दूसरे की लायबिलिटी भी कितनी? 2 लाख। लेकिन अगर पहले ने 2 लाख दे दिए तो उसको 1,80,000 रिकवर करने का अधिकार है। वो किससे मांगेगा? बाकी मेंबर से। यानी कि बेटा लायबिलिटी सबकी लिमिट कितने बजा रही होती है? बाय विच द असेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। लेकिन अगर उनको वो देना पड़ जाए तो ही हैज द राइट टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उन्होंने बात यही लिखी कि आपकी लायबिलिटी होल लायबिलिटी के बराबर है, लेकिन आप एंटाइटल्ड हैं टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। आप अदर मेंबर्स से कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट हो गया रिगार्डिंग अनलिमिटेड। तो अगर हम सेक्शंस की बात करें, हमारे पास कौन कौन सेक्शन कवर हुए? 2 क्लॉज 21 बात करता है लिमिटेड बाय गारंटी की, 2 क्लॉज 22 बात करता है लिमिटेड बाय शेयर्स की, एंड 2 क्लॉज 92 बात करता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी की। एक बार सेक्शन फटाफट से दोबारा रिवाइज करा दें। कंपनी हमने कवर की थी डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 में, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68 में, पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71 में, 1 पर्सन कंपनी 2 क्लॉज 62 में, स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85 में। अनलिमिटेड कंपनी कवर करी 92 में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 21 में, लिमिटेड बाय शेयर्स 22 में। ठीक है, यहां तक सेक्शंस कवर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं
ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अच्छा बेटा यहां पर ना एक क्वेश्चन आ जाता है, आपका इंस्टीट्यूट बड़ा बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आने को तो बेटा ये क्वेश्चन 8 नंबर तक का आ सकता है, लेकिन आता नहीं जनरली कंपनी एक्ट में आपके लेवल पे 8 नंबर का, इसलिए ये 4 या 5 तक पर रोक देंगे इसको। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी बेटा चार्ट में कवर्ड नहीं है, इसकी दिक्कत यह कि मैं पूरी टेबल यहां डाल नहीं पाया। बुक कहां गई मेरी? ये नहीं है। हाँ जी लीजिए बड़ा, जिनके पास बुक है मेरी उसके अंदर तो मिल जाएगा ये पेज 176 के ऊपर। जिनके पास बुक नहीं है वो जरा सामने से काम चलाएं, ये आप अपने ब्लैंक वाले पेज में लास्ट में मैं छोड़ दूंगा वहां बना लेना। आइए जरा देखें, व्हाट इज मेंट बाय अ गारंटी कंपनी, स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। बड़ा दो बातों में क्वेश्चन आता है, पहले वो आपसे पूछते हैं गारंटी कंपनी होती क्या है। गारंटी कंपनी होती क्या है आपको क्या बताना पड़ेगा? 2 clause 21 की डेफिनेशन हमें समझ आता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी व्हिच इन व्हिच द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम टू द अमाउंट व्हिच एवरी मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सर हमसे बात करेगा, इसकी सिमिलैरिटीज बता दीजिए, इसकी डिससिमिलैरिटीज बता दीजिए। तो समझेंगे क्वेश्चन में 3 पार्ट है, जनरली आपका 1 नंबर इसमें गारंटी की डेफिनेशन का होता है, 1 नंबर सिमिलैरिटीज का होता है, और 4 नंबर तक वो आपसे डिफरेंसेस पूछते हैं, 6 मार्क्स तक वो चला जाता है। अगर ये 8 का होगा तो बेटा जनरली ये 2-2 के हो जाएंगे, या फिर भी 4 डिफरेंसेस ही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आइए जरा सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पे चले जाएं। पहले डिससिमिलैरिटीज डिस्टिंग्विश की बात कर लेते हैं। मैंने ब्रॉडली आपको इसको 5 पॉइंट दे दिए। नंबर 1 तो बेटा डेफिनेशन ही है। अगर आपसे वो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ गारंटी कंपनी, उसके डिफरेंसेस और वो बता दीजिए, इस पॉइंट में इस पॉइंट का आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन में कवर हो गया कि आपने डेफिनेशन को डिफरेंशिएशन बताया, बचे हुए डिफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे। अगर उसने सिर्फ डिससिमिलैरिटीज पूछी तो आप डेफिनेशन को भी एज नंबर 1 पॉइंट क्या बना सकते हो, डिफरेंस बना सकते हो। तो हमने क्या लिखा, नंबर 1 मीनिंग गारंटी कंपनी का डिफाइंड किसमें है, 2 clause 21 में। कंपनी बाय शेयर कैपिटल किसमें है, 2 clause 22 में। इफ द मेमोरेंडम स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी लिमिटेड to the amount that they respectively guaranteed to pay to the company in the event of winding up of the company is said to be a company limited by guarantee. If the memorandum states that the liability of member shall be limited to the unpaid amount on the shares held by them, the company is said to be a company limited by shares, share capital. A company limited by guarantee may or may not have share capital. बात समझ आती है हमें यहाँ पे? A company limited by share capital, पक्का शेयर कैपिटल तो होती है, नाम में बता रहा है कंपनी मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल। इंपॉर्टेंट क्वांटम ऑफ लायबिलिटी डेफिनेशन से निकल के बात आ रही है। एवरी मेंबर शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट दैट ही हैज गारंटीड टू पे द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ऑल्सो इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल देन द मेंबर्स आर लायबल टू पे अनपेड कॉल ऑन द शेयर्स इन एडिशन टू द गारंटीड अमाउंट। क्या दोनों बातें कवर होगी, विद शेयर कैपिटल वाली भी विदाउट शेयर कैपिटल वाली? यहां पर लायबिलिटी क्या होती है, एवरी मेंबर शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, ये लायबिलिटी अराइज कब होती है। डिफरेंस ये बनता है कि एक लायबिलिटी वाइंडिंग अप पे होती है और एक लायबिलिटी लाइफ में भी हो सकती है और वाइंडिंग अप पे। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाया, व्हेन डज दिस लायबिलिटी अराइज, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दैट इज
इन नो केस ही कैन बी कंपेल्ड टू पे द गारंटीड अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मैंने शेयर वाली बात यहां पर नहीं करी, तो हमने क्या कहा जी, गारंटी का अमाउंट कब मांगा जा सकता है? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल अराइज ओनली व्हेन अ वैलिड कॉल इज मेड बाय द कंपनी दैट इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। डिफरेंस समझ आता है। लास्टली सूटेबिलिटी। जब मैं सूटेबिलिटी की बात करता हूं तो बेटा मैं यहां पर प्योर गारंटी कंपनी की बात कर रहा हूं। प्योर गारंटी कंपनी मींस जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। अ गारंटी कंपनी, मैंने क्लियर कर दिया, हैविंग नो शेयर कैपिटल इज सूटेबल इन दोस केसेस वेयर इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट, वेयर इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, कर दीजिए कैसे लिख दिया, वेयर इनिशियल कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वेयर फंड्स कैन बी अरेंज फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक एंडाउनमेंट, फीस, चार्जेस, डोनेशन और फ्रॉम बोरिंग, किसी और तरीके से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप किस पे जाइए? गारंटी कंपनी पे। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये नॉर्मल है बेटा, जहां पैसा आपको इन सोर्सेज से नहीं मिलता। दिस कंपनीज आर सुटेबल इन दोस केसेस वेयर इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई एंड सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन नॉट बी अरेंज थ्रू बोरिंग्स। तो पांचों पॉइंट समझ आते हैं हमारा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में। सेकेंडली, शेयर कैपिटल की कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, इट कैन, इट मे हैव शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कंपनी में इट विल ऑलवेज हैव शेयर कैपिटल। क्वांटम ऑफ लायबिलिटी की बात करें कि यहां पर लायबिलिटी कितनी है, तो अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया है यहां पर कितनी है, अमाउंट जो कि अनपेड है ऑन द शेयर्स, लायबिलिटी कब अराइज होती है, एंड फाइनली हमारे पास सूटेबिलिटी, हमारे पास पांच पॉइंट बन जाते हैं। एक पार्ट अभी उन्होंने पूछा था, सिमिलैरिटीज बता दीजिए। सिमिलैरिटी बड़ा सिंपल सी बात है। नंबर वन, दोनों कंपनीज हैं, दोनों की दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है, और सबसे बड़ी बात, दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है। इट्स नॉट एन अनलिमिटेड कंपनी, दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड किस हद तक है वो हद अलग अलग है बस। तुमने क्या लिखा, द कॉमन फीचर बिटवीन ए गारंटी कंपनी एंड ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। तो मैंने कहा दोनों के दोनों में लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और दोनों में क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है। उसके आगे सेम बात लिखी हुई है, कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स में लिमिटेड है टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, और बोथ टाइप्स ऑफ कंपनीज हैव टू स्टेट दिस फैक्ट इन देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। तो दोनों केस में आपको यह बात भी लिखनी है इसके अंदर कि मेंबर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, सॉरी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है। दोनों बातें दोनों ही केस में कहां लिखनी है, मेमोरेंडम में, और मेमोरेंडम में किस में लिखनी है, लायबिलिटी क्लॉज के अंदर। आपके लायबिलिटी क्लॉज के अंदर दोनों ही केसेस में ये बात लिखी होगी कि आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। दोनों ही केसेस में आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, ये वाली बात आप नीचे इसमें किसमें लिख सकते हैं, सिमिलैरिटीज में डाल सकते हैं। चलिए डन, अब आ जाते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करें तो अगेन बेटा तीन कंपनियां आती हैं, 6, 46, 87, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। यह हमने पढ़ा था 21, 22, 92। यह हमारे पास अगेन तीन सेक्शन का कॉम्बिनेशन आता है, 6, 46 और 87 का। सबसे पहले हम बात करेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी के कंसेप्ट का। बेटा जो होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसेप्ट है, होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसेप्ट रिलेशनल कंसेप्ट है। रिलेशनल कंसेप्ट क्या होता है, जहां एक शब्द को दूसरे शब्द के रिलेशन में डिफाइन किया जाता है, यानी कि एक शब्द का दूसरे शब्द के बिना कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हम प्रैक्टिकली बेटा अपने लाइफ में यूज करते हैं कुछ वर्ड्स, फादर सन, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, बेटा ये जो वर्ड्स है ना, इनका मतलब किसी और वर्ड के साथ मिलकर है। सन आप तब हैं, सन आप किसी के हैं, यू आर सन इन रेस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन, यू आर डॉटर इन रेस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन। हस्बैंड किसी के रेस्पेक्ट में हस्बैंड होता है, वाइफ किसी के रेस्पेक्ट में वाइफ होती है। चलते फिरते बेटा एक रैंडम बंदे को कह दो ये वाइफ जा रही है, वाइफ ऐसे नहीं होता, वो सन जा रहा है। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय वो सन जा रहा है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, ये फलाने का सन है, ये इनकी वाइफ है, इस तरह का। ऐसे जब आप होल्डिंग सब्सिडरी की बात करते हैं ना, सब्सिडरी किसी के रेस्पेक्ट में सब्सिडरी होती है। आप किसी कंपनी को कह दे तू सब्सिडरी है, उन्हें कहा व्हाट डज दैट मीन, आप किसी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक बुला सकते हैं,
आप किसी कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी बुला सकते हैं। वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो उन्हें डिफाइन करते हैं, लेकिन किसी को कह देना तो सब्सिडरी है, किसी को कह देना तो एसोसिएट है, वो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होगा। और ये बात इन तीनों के पहले वर्ड में मिल जाएगी आपको। इन तीनों के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या लिखा, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मींस, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अन अदर कंपनी मींस। आपको तीनों के स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है, वर्ड इन रिलेशन टू, और ये वर्ड लिखना होना चाहिए पेपर में, क्योंकि इससे एक बात बड़ा क्लियर होती है, आप डेफिनेशन को समझ के लिख रहे हैं एटलीस्ट। ये नहीं है कि धड़ाधड़ टुक्के चल रहे हैं कि कुछ भी लिख डालो उसके अंदर। इतना हमें तीनों वर्ड की डेफिनेशन से समझ में निकल के आ रहा है कि डेफिनेशन कैसी है, रिलेशनल डेफिनेशन है। पहली कंपनी में क्या लिखा उसने, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस, यानी कि एक होल्डिंग कंपनी एक या उससे ज्यादा कंपनी के रिलेशन में वो कंपनी होती है, मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। लो अब ये डेफिनेशन है। उसने कहा एक या उससे ज्यादा कंपनी के रेस्पेक्ट में होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी बाकी सब्सिडरीज होती हैं। मैंने कहा ये कैसी डेफिनेशन है, वैसे बेटा जैसे मैं कहूं एक या उससे ज्यादा व्यक्ति के रेस्पेक्ट में फादर वो होता है जिसके वो बच्चे होते हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ ना, आपने फादर को डिफाइन किया तो घुमा फिरा के गुजले भी बना दी कि बेसिकली फादर किसको बोलते हैं, फादर उसको बोलते हैं जिसका कोई सन होता है, हस्बैंड किसको बोलते हैं, हस्बैंड उसको बोलते हैं जिसकी कोई वाइफ होती है। फिर मैं पूछूंगा वाइफ क्या होती है, कहेंगे वाइफ वो होती है जिसका हस्बैंड होता है, बना लो डेफिनेशन है ये, तो फिर वो वाले डेफिनेशन होगी। तो उसने होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में तो वही मजाक किया आपके साथ कि होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडरीज। तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनियों के रेस्पेक्ट में क्या होती है, जिसकी दूसरी कंपनियां क्या होती हैं, सब्सिडरीज होती हैं। लेकिन यहां से एक बात निकल के आई, उसने इनफैक्ट दो बातें निकल के आई। उसने कहा नंबर वन, ये जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, ये इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज होती है, यानी कि कई सारी कंपनियों की भी क्या एक ही होल्डिंग हो सकती है, हो सकती है। यानी कि आप समझेंगे सब्सिडरी कई सारी हो सकती है और उनकी होल्डिंग क्या हो सकती है एक। ये बात यहां से निकल गया, इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मींस अ कंपनी, यानी कि होल्डिंग सिर्फ क्या होगी, एक होगी, लेकिन कई सारी नीचे क्या हो सकती हैं, सब्सिडरीज हो सकती है। बेटा वैसे हो गया जैसे बच्चे कई सारे होते हैं, पापा एक ही है, ठीक है। लेकिन सेकेंडली अब उन्होंने कहा यह होल्डिंग कंपनी क्या होगी, इट मींस अ कंपनी ऑफ विच दिस कंपनीज आर सब्सिडरीज। उसने क्या कहा जी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी ये सारी क्या है, सब्सिडरीज हैं। इसने लिख दिया बेटा ये एक कंपनी है, और जैसे इसने ये लिखा ना ये एक कंपनी है, एक समस्या खड़ी होगी, टू क्लॉज 20 बीच में घुस गया। उसने कहा अच्छा होल्डिंग कंपनी कंपनी है, उसका मतलब फिर ये इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ। और ऐसा लिखते ही एक समस्या खड़ी हो गई बेटा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया करके एक कंपनी थी, इसके ना मेजर शेयर होल्डर माइक्रोसॉफ्ट यूएसए के पास थे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से पूछा मैंने कहा आपकी कोई होल्डिंग है, उसने कहा हाँ माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। यूएसए से पूछा आपकी कोई सब्सिडरी है, उसने कहा हाँ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। बट लेकिन जब एक्ट उठाया, एक्ट ने कहा नहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट यूएसए होल्डिंग नहीं है क्योंकि ये कंपनी नहीं है। मैंने कहा क्यों, ये कंपनी क्यों नहीं है? उसने कहा ना तो ये कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है, ना प्रीवियस कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, और टू क्लॉज 46 के हिसाब से होल्डिंग बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, कंपनी बनना पड़ेगा। ये बात डेफिनेशन में लिखी हुई है, मींस अ कंपनी ऑफ विच अदर आर सब्सिडरी। जैसे ही आपने ये कंपनी वर्ड लिखा, समस्या खड़ी हो गई। और बेटा इस समस्या को हटाने के लिए उन्होंने नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाल दी, बड़ी अजीब एक्सप्लेनेशन, जिसने कंपनी डेफिनेशन की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन वो सिर्फ इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में डालनी पड़ी हमें। उन्होंने क्या लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सिर्फ इस टू क्लॉज 46 के लिए द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सारे के सारे फॉरेन कंपनी हो, बाहर की बनी हुई कंपनी हो, सब क्या मान लो इस सेक्शन के लिए क्या है, कंपनी है। या तो बेटा ये लिख सकते थे मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट, इस वर्ड को ही बदल देते। उन्होंने इस वर्ड को नहीं बदला, इस वर्ड को डिफाइन कर दिया। इस वर्ड को डिफाइन कैसे किया कि इस क्लॉज के लिए कंपनी का मतलब क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट। बात वही है, घुमा के इस वर्ड को काट के बॉडी कॉर्पोरेट लिख देते, या इस वर्ड का मीनिंग ही बदल दिया, तो इस मैन का मीनिंग क्या हो गया,
बॉडीगार्ड, क्या मैं कह सकता हूं बेटा माइक्रोसॉफ्ट यूएसए कंपनी भले ना हो बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि ये किसी एक्ट में बनी है, किसी देश में रजिस्टर्ड है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है। क्या ये होल्डिंग हो सकती है? यस। तो आप सुनिए बेटा, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप ना देके आए ना तो आपकी डेफिनेशन अधूरी है, क्योंकि फिर आप आधी बात लिख के आए हो, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट यूएसए को आप होल्डिंग बना के ना आए पेपर के अंदर। आप सिर्फ क्या लिखा है कि ये कंपनी होनी चाहिए, तो पूरी डेफिनेशन क्या है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, एंड एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कंपनी एट द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ आती है डेफिनेशन पूरी की पूरी? टू क्लॉज 46, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। बेटा आप लोग फिर नहीं बोल रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि सर ये दवाई खा खा के गले खराब की, गला फाड़े जा रहे हैं यहां बैठ बैठ के अपना, लेकिन सर को नहीं आता इसलिए याद कर रहे होंगे बैठ के। नहीं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग अपने मुख से कुछ निकाल लो। मैं जानता हूं गला खराब होने पर डर लगता है, कोरोना हो गया, लेकिन बोल लें, हो जाएगा गला खराब तो दवाई मैं दे दूंगा, लेकिन खाक बेटा कुछ बोल लें, क्योंकि बोलेंगे तो चीज याद होगी, नहीं तो ये 2 महीने वेस्ट जाएंगे, फिर से अगली बार बैठोगे क्लास के अंदर। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, नहीं याद रहेगा। कभी आप इस चक्कर में हो, सर ने चार्ट दे दिया, घर जाके याद कर लेंगे, कई आए तुम जैसे चार्ट से याद करने वाले, कईयों ने कोशिश करके देख ली, ये नहीं होता। अगर आप लोगों को लगता है खुद से हो जाता है तो घर जाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? कोरोना का काल है, अपने जीवन में अपने वालों को भी, अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हो, घर वालों को भी परेशान कर रहे हो, आए हो तो फायदा उठाओ उस चीज का, बोल लो, कोशिश करो क्लास में याद हो जाए। अगर क्लास में याद हो जाएगा तो एक्चुअल में 2 घंटे का फायदा हो जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है यहाँ बैठने का। ये क्लासेस यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है रिवीजन वीडियो नाम से, वहां जाके भी देखोगे यही बंदा बोलता हुआ दिख रहा है वहां बैठा हुआ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं, कई बार बोल बोलकर यूट्यूब पर डाल चुका, कुछ नहीं होता। आपने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो फिर इस क्लास का फायदा उठा लो। नेक्स्ट, सब्सिडरी कंपनी टू क्लॉज 87 में डिफाइंड है। अगेन डेफिनेशन देखें, सब्सिडरी कंपनी या सिर्फ क्या बुलाया जा सकता है, सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। बेटा पहले तो डिफरेंस देखें दोनों जगह क्या है, वहां क्या लिखा था, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, और यहां क्या लिखा है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। डिफरेंस समझ पाए? सर सब्सिडरी कई सारी होती हैं, होल्डिंग एक ही होती है, उल्टा रिलेशन। सर होल्डिंग हमेशा एक ही होती है क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने क्या लिखा है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, और उसको हम क्या बुलाएंगे, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्योंकि हम वर्ड पहले लिखा है, वो कौन सी कंपनी, दूसरी कंपनी, इसको हम होल्डिंग बुला रहे हैं। वो होल्डिंग कंपनी क्या करे, दो चीजें करे, दोनों में से कोई एक करे, वर्ड क्या लिखा है, और द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेटा दो वर्ड है, कंट्रोल्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, फिर से वर्ड क्या है, कंपनीज। आइए जरा पढ़ने बेटा एक एक करके। उसने कहा नंबर वन, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, उस अदर कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, यानी कि वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या क्या करे। पहले तो बेटा उसने सेकंड पॉइंट लिखा, इसको पढ़ते हैं, इट एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर कंट्रोल करे, मोर देन वन हाफ मींस 50% से ज्यादा, 50% पे बन जाएगी होल्डिंग, नहीं मोर देन वन हाफ लिखा है, ठीक है। और क्या होना चाहिए मोर देन वन हाफ, वोटिंग पावर। बेटा पहले यह वर्ड होता था मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, ये वर्ड चेंज करके क्या किए गए हैं, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सर जब टोटल शेयर कैपिटल वर्ड लिखते थे ना उसमें इक्विटी भी आ जाता था, प्रेफरेंस भी आ जाता था, और जब आप कहते थे ना कि आप 50% किसी का प्रेफरेंस होल्ड करके भी होल्डिंग बन जाते हो तो एक बड़ा संकट आता था।
डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या होते थे, होल्डिंग, क्योंकि आप सामने वाले में क्या होल्ड करते थे, मान लीजिए बेटा उसकी सारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास ही थी, यानी कि उसने प्रेफरेंस शेयर होल्ड इश्यू किए थे तो सिर्फ किसे किए थे, आपको ही। अब आप उसके टोटल शेयर कैपिटल का कितना होल्ड करने लग गए, मोर देन वन हाफ। जब मैंने टोटल निकाला इक्विटी का प्रेफरेंस का, उसका जब मोर देन वन हाफ निकला तो वो टोटल शेयर कैपिटल आपके हाथ में थी। मान लीजिए फिफ्टी 50 लाख की वो थी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 लाख की आपने उठा के प्रेफरेंस इशू कर दी, और ये सारी की सारी किसे इशू कर दी, एक ही पर्सन को। अब टोटल कितना हो गया, 150। ये कितना होल्ड करता है, 100, डेफिनेशन में फंस जाता था, ये क्या कहलाता था, होल्डिंग। अब जैसे ही बेटा ये होल्डिंग कहलाता था, ये आप पे कंट्रोल चाहता था कि मैं मीटिंग में आऊंगा, मैं डिसीजन लूंगा, आप कहते खबरदार मीटिंग में दिख गया तो, वो कहता होल्डिंग को थोड़ी इज्जत दे दो। बट आप होता क्या था, आप होल्डिंग कहलाते थे लेकिन जगह जगह बेइज्जती कराते थे, कंपनी सुनती नहीं थी आपकी किसी काम में, बस बोलती क्या थी, हाँ मेरी होल्डिंग हो। बेटा वैसे बात है जैसे आप अपने पापा को पापा तो बुलाओ सुनते हो नहीं उनकी, वो कहते बेटा तो बाप बुलाना ही बंद कर दे फिर आज से कम बाहर दुनिया के आगे बेइज्जती तो मत कराया कर मेरी, तो वो वाली हरकत हो गई थी, सब होल्डिंग होल्डिंग बुलाते रहते थे, सुनता कोई ना था इसकी। तो इन्होंने क्या किया, डेफिनेशन ही बदली, उन्होंने कहा फिर होल्डिंग हो तो होल्डिंग वाले अधिकार तो दो कम से कम। तो उन्होंने डेफिनेशन को बदल के क्या लिखा, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर नहीं लिखना, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल नहीं लिखना, मोर देन वन हाफ किसका लिखना है, वोटिंग पावर का। अब एक्चुअल में कंट्रोल है, जब आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स आ गए, अब सामने वाला आपकी सुनेगा, इनफैक्ट सारे डिसीजन आप ही लेंगे। दूसरा उसने क्या लिखा, आप मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर कंट्रोल कर लो, या क्या कंट्रोल कर लो, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर लो। सर अब एक चीज बताओ, एक कंपनी जो सेकंड पॉइंट में कवर्ड है, वो मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल करती है, क्या वो एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कंट्रोल करती करती होगी। अगर आप सेकंड पॉइंट में कवर्ड हैं, क्या आप फर्स्ट पॉइंट में पक्का कवर्ड होंगे, ये गारंटी हो सकती है कि अगर एक कंपनी मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर रखती है तो वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन तो कंट्रोल करती होगी। यस बेटा करती होगी, नो डाउट करती होगी, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, पहले तो ये बात समझे, व्हाट डू यू मीन बाय, जब मैं बोलता हूं कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल करने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप सामने वाली कंपनी के सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं अपनी और सिर्फ अपनी इच्छा पर, यानी कि किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो पावर है, वो डिस्क्रिशन है कि आप चाहें तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा दें, चाहे तो मेजोरिटी हटा लें, चाहे तो मेजोरिटी अपनी इच्छा से बदल दें। तो इस पावर को क्या बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना। अब अगर मैं एक कंपनी के अंदर बेटा मान लीजिए 70% वोटिंग राइट रखता हूं, क्या किसी की हिम्मत है मेरे को डायरेक्टर हटाने से रोक ले कोई, क्योंकि डायरेक्टर हटाने के लिए क्या करोगे, मीटिंग करवा लोगे, वहां वोटिंग करवा लोगे, अकेले 70% वोट मेरे पास है, क्या मैं सबको अपनी इच्छा से हटा लूंगा, सबको अपनी इच्छा से वहां अपॉइंट कर लूंगा, यस, क्या मेरे पास कंपोजिशन का कंट्रोल आ गया, आ गया। यानी कि एक कंपनी बेटा जो सेकंड पॉइंट में गई है वो फर्स्ट पॉइंट में तो पक्का जाएगी ही जाएगी, तो सर फिर सेकंड पॉइंट ही लिख देते, फर्स्ट लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि बेटा ऐसा हो सकता है आप फर्स्ट पॉइंट में आ जाए लेकिन सेकंड में ना आए, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाए, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाए लेकिन मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ना आए, उस केस में भी आप होल्डिंग कहलाएंगे। अब ये सर कैसे आ जाएगी, ये जनरली बाय एग्रीमेंट आती है। बाय एग्रीमेंट कैसे आती है, मान लीजिए बेटा आपने किसी से बहुत बड़ा लोन लिया, किसी और कंपनी से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, मार्केट से लोन उठाया, सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं थी, कोई लोन दे नहीं रहा था, जिसके पास लोन लेने गए उसने कहा पैसे तो मैं दे दूंगा, लग भी आपका बिजनेस प्रॉमिसिंग रहा है लेकिन आप लोगों को ना शायद करना नहीं आता, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर तो खूब कमाते हैं इस बिजनेस के अंदर लेकिन आप ना कमाते हैं इस बिजनेस के अंदर। बेटा मान लीजिए कोई वॉलेट सर्विस चलाता है, कोई नया नया वॉलेट सर्विस है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि मार्केट में आप भी समझते हैं पेटीएम किंग है, लेकिन उसके जैसे कई और हैं, फ्री चार्ज करके है, मोबीक्विक करके है, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने वो हैं शायद। बेटा ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि वॉलेट का बिजनेस नहीं है मार्केट में, बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, आपको समझ आ रहा है, हर बढ़ते दिन कस्टमर बढ़ ही रहे हैं,
कम नहीं हो रहे पुराने वाले, और फ्यूचर भी दिख ही रहा है कि फ्यूचर भी इसी चीज का है, जो थोड़ा बहुत कैश मार्केट में घूम भी रहा है, या शायद हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो नहीं भी यूज कर रहे हैं, शायद और 2 साल बाद 3 साल बाद वो भी यूज करना शुरू कर देंगे। बेटा आपने अपने मम्मियों को जब अपने फोन दिए थे, उन लोगों को चलाने नहीं आते थे, आज वो सीरियल देख लेती हैं उसके अपने काम जो, ठीक है ना, हॉटस्टार चलाना जितना सिखा दिया आपने उनको उसके ऊपर, धीरे धीरे वो पेटीएम चलाना भी सीख जाएंगी। तो धीरे धीरे आप समझेंगे मार्केट बढ़ी रही है। तो मान लीजिए मैं कोई दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, बिल्कुल निहायती निचले नंबर की कंपनी हो जिसको पैसे की जरूरत है, मैं मार्केट में पैसा लेना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हाँ बिजनेस में प्रॉफिट का स्कोप तो है क्योंकि काम तो अच्छा है, तुम्हें ढंग से चलाना नहीं आता, तो मैं लोन तो दूंगा लेकिन मुझे यह पावर दो कि मैं इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये भी कंट्रोल कर सकूं। और वो कंट्रोल कैसे आएगा? मैंने कहा, हमने कहा जी हाँ जी आपसे पूछ के करेंगे जो करेंगे। मैंने कहा ना ना, आप मुझे ये पावर दो एग्रीमेंट के तहत कि मैं जब चाहूं अपने डायरेक्टर आपके बोर्ड पे बिठा सकता हूं, जब चाहूं आपके डायरेक्टर हटा सकता हूं। बेटा मरता क्या ना करता, वो ये पावर दे आए। उन्होंने कहा ठीक है रखो ये पावर भी, जब तक आपका लोन नहीं चुकाएंगे आप जब चाहोगे, अगर आपको लगेगा हमारे डायरेक्टर बदलने की जरूरत है तो आप डायरेक्टर बदल लेना, हम मानेंगे। आ गई बेटा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो दूसरी कंपनी आपके ऊपर ये कंट्रोल रख रही है, ये भी क्या कहलाएगी? ये होल्डिंग कहलाएगी। किसके अंदर? बेटा ये होल्डिंग कहलाएगी 2 clause 87 clause 1 के अंदर। और अगर ये आपके अंदर कैपिटल रखती है, मीटिंग में बुलाओगे वोटिंग पावर के लिए इसको? नहीं बेटा, ये मीटिंग में नहीं आएगी, ये वोटिंग पावर नहीं रखती, फिर भी क्या है ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि ये क्या करती है, कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन में बी पॉइंट पे आए, ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब कंट्रोल की हुई मानी जाएगी? द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। एक ऐसी कंपनी जिसके पास ये पावर है कि वो अपनी किस पर, डिस्क्रिशन पर, डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा किसी से पूछे बिना, एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। आपको क्या मिल जाएगी? कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा और आप क्या बन जाएंगे, आप होल्डिंग बन जाएंगे। अच्छा अब सेकेंड पॉइंट पे आइए, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ सब्सिडरीज। अब जरा इसका मतलब समझे, सर वोटिंग पावर कंट्रोल करनी है। अच्छा जब मैं वोटिंग पावर की बात कर रहा हूं बेटा, अब मैं सीधी बात किसी करूंगा, इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स में वोटिंग पावर पे आप कंट्रोल आ जाएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बेटा एक कंपनी ए है, इसने एक बी कंपनी है जिसकी टोटल शेयर कैपिटल 20 लाख है, उसमें से ये 12 लाख होल्ड करती है, क्या ये इसका मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर कंट्रोल करती है? यस। ए क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। बी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। ए इसकी कैपिटल 20 लाख, इसकी टोटल कैपिटल 10 लाख। ए इसमें होल्ड करता है 12 लाख, बी इसमें होल्ड करता है 6 लाख, ठीक है। अगर मैं ए और बी का आपसी रिलेशन की बात करूं तो ए और बी के आपसी रिलेशन को क्या मैं होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बोल सकता हूं? यस, बिकॉज ए क्या होल्ड करता है, बड़ा लैंग्वेज बोलते जाए मुंह पर चढ़ जाएगी, इट कंट्रोल्स और एक्सरसाइजेस मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन। समझ आता है? वो अपने आप बी के अंदर मोर देन वन हाफ ऑफ क्या कंट्रोल करता है, वोटिंग पावर। बी और सी का रिलेशन होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन, क्यों? क्योंकि बी कंट्रोल करती है मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन। अब ए और सी का रिलेशन फिर से होल्डिंग और सब्सिडरी का, लेकिन क्यों? बिकॉज ए कंट्रोल करती है मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑफ सी थ्रू इट्स सब्सिडरी। आप अपने सब्सिडरी के थ्रू क्या करते हो, वोटिंग पावर कंट्रोल करते हो। तो ये वर्ड कहां पर आ जाएगा, इट एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन, नहीं
टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो ये होल्ड करती है, ए होल्ड मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑफ सी थ्रू इट्स सब्सिडरी बी, ऐसा बोल सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, ए होल्ड करती है मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑफ सी थ्रू इट्स सब्सिडरी बी। अभी भी डेफिनेशन के अंदर हम फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक कंपनी ए, एक कंपनी बी, एक कंपनी सी और एक कंपनी डी। हाँ जी, कहां एक की दो होल्डिंग? बेटा वो एक के रेस्पेक्ट में है ना, इन रेस्पेक्ट टू बी ये होल्डिंग है क्योंकि ये इसकी कंट्रोल करते हैं। फिर वो सी किसके रेस्पेक्ट में गिनेगा अपने आप को? ए के रेस्पेक्ट। मतलब प्रैक्टिकली समझेंगे, आप जब ये कह रहे हैं ना कि ये इसकी होल्डिंग है, तो सी तो अपनी होल्डिंग किसको बुलाता होगा? बी को ही बुलाता होगा। लेकिन जब ए से पूछा जाता होगा तो ए किस किस को अपनी सब्सिडरी बुलाता होगा? वो बी को भी बुलाता होगा, सी को भी बुलाता होगा। तो इस रिलेशन को जनरली एक साइड से देखा जा रहा है, क्योंकि जब दूसरी साइड से आप देखेंगे ना, वो दूसरी साइड से डेफिनेशन पूरी नहीं करता। तो हमने प्रैक्टिकली क्या बोला कि जब हम कहते हैं ए की होल्डिंग होगी, तो इसकी टेक्निकली अगर इससे पूछोगे तो होल्डिंग ए की है, लेकिन इससे पूछोगे अपनी सब्सिडरी कौन कौन सी है, तो ये बी भी बताएगा और ये सी भी बताएगा। रीजन बींग ये इसकी डेफिनेशन में पूरा बैठता है कि मैं दूसरी कंपनी की वोटिंग पावर होल्ड करता हूं थ्रू माई ओन सब्सिडरीज। अगर इसकी बात करें, बेटा ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। इसकी मानते हैं कैपिटल 20 लाख, इसकी भी मानते हैं 20 लाख और इसकी मानते हैं 10 लाख। अगेन बेटा ए होल्ड करता है इसके अंदर 12 लाख, बी होल्ड करता है, ए इसके अंदर होल्ड करता है 13 लाख, बी इसके अंदर होल्ड करता है 3 लाख, सी इसके अंदर होल्ड करता है 4 लाख। ठीक है जी, करना शुरू करें रिलेशन। पहले ए और बी का रिलेशन ढूंढ दो। सर होल्डिंग एंड सब्सिडरी है, क्यों है? सर ए होल्ड करता है मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन। ए और सी का होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है। बी और डी का, बी और डी का कोरिलेशन है आपस में? नहीं सर, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है। सी और डी का? नो रिलेशनशिप। ए और डी का? ए और डी का बताओ, बताओ, बोल सकते हैं होल्डिंग ए को या नहीं? नहीं सर, सब्सिडरी का आगे सब्सिडरी जो होती है बस वही सब्सिडरी होती है। यहां पर तो क्योंकि सब्सिडरी की सब्सिडरी थी ना, तभी ऐसे ही होता होगा। ऐसा लिखा है कहीं? उन्होंने क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़े ना, लैंग्वेज क्या लिखती है? होल्ड्स मोर देन वन आवर ऑफ वोटिंग पावर इधर ऑन इट्स ओन। खुद होल्ड करता है ए डी में कुछ? नहीं। टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। एक सब्सिडरी के थ्रू भी होल्ड कर सकते हैं, एक से ज्यादा के थ्रू भी होल्ड कर सकते हैं। अब मैं बी के थ्रू क्या होल्ड करता हूं? 3 लाख। सी के थ्रू क्या होल्ड करता हूं? 4 लाख। क्या मैं दोनों के थ्रू मिलकर मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर कंट्रोल कर लेता हूं? यस yes, क्या ए और डी होल्डिंग सब्सिडरी का सिचुएशन रखेंगी? यस yes, लैंग्वेज समझ आती है अब हमें? आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ए होल्ड करता है बेटा 12 लाख, बी होल्ड करता है 3 लाख, सी होल्ड करता है, ए होल्ड करता है 4 लाख। आइए जरा रिलेशन रिलेशन खेलने फिर से। ए और बी में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, बी और सी में, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी में है कोई रिलेशन? कहां बेटा? सिर्फ 4 ही तो होल्ड कर रहा है। सर ये 3 भी तो होल्ड कर रहा है। कैसे होल्ड कर रहा है ये 3? सर सब्सिडरी के थ्रू। लेकिन सर जब फिर सब्सिडरी के थ्रू गिनते हैं तो फिर सिर्फ सब्सिडरी के थ्रू गिनते हैं, खुद का थोड़ी ना गिन लेते हैं? फिर पढ़ लें लैंग्वेज, उसने क्या लिखा है,
ईदर एट इट्स ओन और बीच में एक वर्ड लिखा है टुगेदर विद। टुगेदर विद मतलब खुद भी होल्ड कर लो और किसके थ्रू कर लो, सब्सिडियरी के थ्रू। अभी तक बेटा सारे एग्जांपल्स में ना टुगेदर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अभी तक आप क्या कर रहे थे, या तो खुद करते थे या आपकी वन और मोर सब्सिडरीज करती थी। यहां क्या कहानी हो गई, या मैं खुद भी करता हूं और साथ में क्या करता हूं टुगेदर विद माई सब्सिडरी। अब वो टुगेदर वर्ड का मतलब समझ आ रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज। अगर वो ऐसे लिख जाते ना बेटा फिर ये केस बार हो जाता, जहां पर या तो आप क्या कह रहे थे या खुद कर ले या सब्सिडरीज के थ्रू कर ले। उन्होंने या नहीं लिखा बीच में, उन्होंने कहा खुद या सब्सिडरीज के साथ। वो साथ वर्ड का मतलब कहां से निकल के आया, टुगेदर। तो पूरे वर्ड का मतलब समझ आ रहा है। अब इन वर्ड्स का मतलब समझ आएगा ना तो पेपर में छूटेंगे नहीं है, नहीं तो पेपर में ना डेफिनेशन की धजियां उड़ा देते हो आप वहां बैठ के। और मैं बच्चों के बच्चे में से एक ही सवाल पूछा जा रहा है बेटा, दिमाग खा गया व्हाट्सएप के ऊपर, सर लॉ की लैंग्वेज याद करनी होती है, नहीं याद करोगे तो लिख लोगे ये लैंग्वेज। तो मैं जवाब दूं इस बात का, या तो लिख दो अपनी यही लैंग्वेज, अपने आप लिख सकते हो, लिख लोगे एक एक वर्ड ऐसा कि बिल्कुल सेम मीनिंग निकाल दे, लिख दो तो बेटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन आपको भी पता है अंदर से और मुझे भी पता है अंदर से कि आपको एक एक वर्ड का मतलब दिख रहा है यहां पर, कि ये टुगेदर छोड़ा नहीं और आपने मतलब अलग निकल गया, फिर ये वाला एग्जाम्पल बाहर था, मत लिख के आओ टुगेदर, फिर वो पेपर में काटेगा। और बच्चा क्या कहता है, सर एक वर्ड ना लिखो ना एग्जामिनर मार्क्स काट देता। बट उस एक वर्ड को ना लिखने से मतलब डिफरेंस फर्क समझ पा रहे हैं, वो टुगेदर ना लिखते ही वाला एग्जाम्पल बाहर हो जाता। तो आपको ये लैंग्वेज तो याद रखनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, लॉ में आप लैंग्वेज अपने आप नहीं बदल सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कैसे कैसे, इधर एट इट्स ओन, एग्जाम्पल अपने आप दिमाग में आते जाएंगे, इधर एट इट्स ओन में डायरेक्टली और टुगेदर विद वन मोर मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, एक के साथ एक से ज्यादा और खुद प्लस सब्सिडरीज, सब कुछ कवर हो सकता है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, बेटा एक कंपनी ए है, एक बी है, एक सी है। ए बेटा कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बी का, सी की टोटल कैपिटल है 10 लाख, बी की टोटल कैपिटल है 20 लाख, बी होल्ड करता है सी में 6 लाख रुपए, ठीक है। करें जरा सर इसमें नया क्या है, कुछ नया दिख रहा होगा, एक जगह से कैपिटल गायब कर दिया मैंने। अब मैं फर्स्ट पॉइंट को टच करना चाह रहा हूं, दोनों पॉइंट को मिला के आपस में बात करते हैं। ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी किस लिए, सर इट कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थोड़ा सा बार बार आपको बुलवा इसलिए हूं ताकि लैंग्वेज घुस जाए दिमाग में। अब आपका ध्यान ना लैंग्वेज से ऊपर उठ के उसको अप्लाई करने पे आ गया, तो जैसे ही अप्लाई करना सीखते हैं ना लैंग्वेज अपने आप याद हो जाती है। हमारे पास लॉ में प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ याद करने तक रह जाते हैं तो वो याद ही नहीं हो पा रही होती। आप उससे एक कदम और ऊपर उठ जाए, उसको अप्लाई करना सीखना शुरू करें, लैंग्वेज अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि वो कम कम मुश्किल लग रहा होता है कि लैंग्वेज तो याद हो गई, अब इसका एप्लीकेशन दुखी कर रहा है। तो हमने क्या देखा जी, ए इज द होल्डिंग ऑफ बी बिकॉज इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बी और सी का रिलेशन होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी, क्यों, इट एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर, कैसे, इस केस में बोलूं तो ऑन इट्स ओन, ठीक है। ए और सी का रिलेशन होल्डिंग है पक्का, नहीं सर बी पॉइंट में लिखा हुआ है सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करना होता है, और बी पॉइंट में तो सब्सिडरी कैसे बनते हैं, बी पॉइंट में लिखा हुआ है ना सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, सेकंड पॉइंट पढ़ ले, उसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ना इट एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज। सर यहां बी सब्सिडरी तो है उसके थ्रू ही कर रहा है, लेकिन बी सब्सिडरी बनी कैसे है, कंपोजिशन से। अब मेरा सवाल ये उठ रहा है कि यहां जो सब्सिडरी बनाई जा रही है बी, क्या ये वोटिंग पावर से बनी हुई होनी चाहिए,
कहीं लिखा हुआ है ये बात? ये कहीं से भी सब्सिडरी बन जाए चलेगा, आप वन पॉइंट में सब्सिडरी बन गए तो भी चलेगा। यस बेटा, आप यहां पर किसमें सब्सिडरी बने? वन पॉइंट में। यहां किसमें सब्सिडरी बने? सेकंड पॉइंट में। और ए और सी किसमें सब्सिडरी बने? सेकंड पॉइंट में ही बने हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट ने वर्ड क्या लिखा था? थ्रू इट सब्सिडरीज। अब वो सब्सिडरी कैसे बनी हो? वो वन में भी बन सकती है, वो टू में भी बन सकती है। कहानी समझ आती है? सर इतना दिमाग तुमने कभी ना खपाया इसके ऊपर, हम तो डेफिनेशन पढ़ी और आगे चले गए, हमें वो याद नहीं रही, थोड़े दिनों बाद बात खत्म। आप समझे बेटा आपको कहां तक पहुंचना था और आप कहां पड़े हुए हैं? आपको डेफिनेशन नहीं याद हो रही है, आप तो उस ऊपर बहुत ऊपर जाना है अभी, तो आगे चलें। एक ए है, एक बी है, एक सी है। 20 लाख, 10 लाख, ए होल्ड करता है बेटा 12 लाख, बी कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा सोच के बताना, इतनी देर से सर मैं इसलिए खपा रहा था क्योंकि मुझे यहां तक लाना था आप लोगों को। अब जरा दिमाग पे जोर डाल देना, ए और बी होल्डिंग एंड सब्सिडी, कौन से पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में। जान बात क्या, भाषा नहीं बुलवा रहा, भाषा याद हो गई है आपको, समझने की भी जोर देते हैं। बी और सी में होल्डिंग एंड सब्सिडी किस लिए? ए और सी में होल्डिंग सब्सिडी, सेकंड पॉइंट में होल्डिंग एंड सब्सिडी है ना। पढ़ें जरा सेकंड पॉइंट। सर इतनी बार तो जीवन में ना पढ़ा, क्लास में पढ़ गए हमने, ठीक है बेटा। हर बार पढ़ के कुछ नई बात निकल के आ रही है उसके अंदर से, पढ़ें दोबारा पढ़ें उसको। इट एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर थ्रू इट्स ओन और इट्स सब्सिडरीज। लगता है ए और सी में रिलेशन? आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खुद वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं सर, वोटिंग पावर का तो अता पता ही नहीं है ए और सी में आपस में। फर्स्ट पॉइंट में बनता होगा सर, फर्स्ट पॉइंट पढ़े। इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आगे लिखे ईदर एट इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी। सर फर्स्ट पॉइंट में नहीं लिखा, सेकंड में लिखा है सिर्फ, यानी कि वोटिंग पावर तो किसी सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कंट्रोल करनी होती है? खुद से ही, यही मतलब निकलता है। फिर फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं लिखी बात, तो सेकंड पॉइंट में लिखी है। सर फिर इसका मतलब तो यह समझ आ रहा है कि इसमें तो ए और सी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, रीजन समझ आ रहा है? क्योंकि सर सेकंड पॉइंट सिर्फ सब्सिडरी के थ्रू क्या होल्ड करने की बात करता है? वोटिंग पावर। वो सब्सिडरी के थ्रू कंपोजिशन कंट्रोल करने की बात नहीं करता है। यहां बीमारी क्या आ रही है, हम सब्सिडरी के थ्रू क्या कंट्रोल कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन। तो फिर सर अगर इसको बनाना होल्डिंग सब्सिडरी तो वन पॉइंट में कोई चेंज चाहिए, वन पॉइंट अधूरा दिख रहा है। वन पॉइंट में क्या लिखा होना चाहिए था? इधर एट इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज, वो तो लिखा नहीं, यानी कि भूल गए लिखना या चाहते ही नहीं थे। क्या लगता है सर? भूल गए होंगे, चाहते ही नहीं होंगे सर। बेटा प्रैक्टिकली सोचें, आपकी बी कंपनी, आपकी सब्सिडरी है, वो सी के जाके सारे डायरेक्टर बदल आती है। आप बी को बोलते हो जा बदला सारे सी के, बदल आएगी? सोचो ना, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं। अब बदल आएगी जाके बी सारे के सारे? यस, कंट्रोल तो है आपके पास, दिख रहा है ना, कंट्रोल खुद ही दिख रहा है। सर बी वो बोलती है जो मैं बोल करता हूं, और बी को अपने अधिकार दे रखा है कि वो जब चाहेगी सी के पे डायरेक्टर बदलवा देगी। तो इफेक्टिवली बदलवा कौन रहा है? ए ही बदलवा रहा है, लेकिन डेफिनेशन कुछ रोक रही है। डेफिनेशन कहती है नहीं नहीं नहीं, उसको सब्सिडरी नहीं बोलना। आपने कहा आप क्या कहोगे? सर डेफिनेशन ही गलत लग रही है, क्योंकि होनी तो चाहिए। पहली एक्सप्लेनेशन पढ़ लें आप।
कुछ समझ आता है पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ के क्या कह रहा है? अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल्ड रेफर्ड टू अंडर क्लॉज वन. क्लॉज वन में कौन सा कंट्रोल था? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और सब क्लॉज टू, टू में कौन सा कंट्रोल था? वोटिंग पावर में. दोनों ही केसेस में इज ऑफ एन अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. समझ आता है? वो कह रहा है कि आपकी कंपनी को सब्सिडरी बोल दिया जाएगा, भले ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला कंट्रोल या वोटिंग पावर वाला कंट्रोल आपका खुद का ना होके किसका हो? आपकी सब्सिडरी का. सर फिर ये वाली बात वन के रेस्पेक्ट में तो जरूरत थी कि आपने एक्सप्लेनेशन में लिख के दी, क्लॉज टू के बारे में तो लिख के दी, इसकी जरूरत थी? आपने क्या बोला? आप जो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं क्लॉज टू में, वो आपकी सब्सिडरी का भी होगा तो हम आपका मान लेंगे. यही लिखा होगा ना? क्लॉज टू में कौन सा कंट्रोल था? वोटिंग पावर का. क्या क्लॉज टू खुद चीख चीख के बोल रहा था ये कंट्रोल खुद कर लो या सब्सिडरी के थ्रू कर लो? यस. एक्सप्लेनेशन ने कोई नई बात बता दी? नहीं सर, क्लॉज टू के बारे में कुछ नया नहीं है. क्लॉज टू अपने आप में पूरा था, क्लॉज वन के बारे में जानना जरूरी था. एक्सप्लेनेशन वन ने उसको क्लियर किया है. यानी कि बेटा वो वन के साथ साथ ना भाव में आके टू लिख गए. टू ना भी लिखते तो क्या काम चलता है यहां पर? क्योंकि टू अपने आप में वो बात बोल रहा है, वन नहीं बोल रहा था. तो वन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए साथ में? एक्सप्लेनेशन चाहिए. क्या अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ सर ए होल्डिंग है सी की? यस. एक बार टेक्निकली बताओ किस लिए होल्डिंग है? सर ये पॉइंट वन में रेड विद एक्सप्लेनेशन ए के साथ मिलके बनती है. समझ आता है? अब सर पेपर में हम ये सब लिख के आएंगे कि सर ये क्लॉज वन को जब एक्सप्लेनेशन ए के साथ रीड करते हैं इसलिए ये है. बेटा टेक्निकली लॉ के पेपर में लिखनी तो चाहिए, मत लिखना, क्योंकि हो सकता है बेटा एग्जामिनर के सर के ऊपर से निकल जाए बात. अब मैं जानता नहीं ना बेटा एग्जामिनर किस लेवल की बात समझेगा. उसको सिंपल सी बात में क्या लिख के आएंगे कि जो है कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये खुद भी किया जा सकता है और सब्सिडरी के थ्रू भी किया जा सकता है. बात खत्म. उसको क्लॉज वन एक्सप्लेनेशन समझाने की जरूरत नहीं है. क्या पता बेचारे को खुद ही ना पता हो, बिना मतलब उसको परेशान कराओ, किताब खोल खोल देखता रहे वन क्या है, एक्सप्लेनेशन ए क्या है. आप सीधे प्यार से आसान बात समझाना उसको कि देखो सर वोटिंग पावर वाला कंट्रोल हो वो भी खुद कर सकते हैं, सब्सिडरी के थ्रू कर सकते हैं. कंपोजिशन वाला कंट्रोल हो वो भी खुद कर सकते हैं, सब्सिडरी के थ्रू कर सकते हैं. तामझाम समझ आ गया आपको सेक्शन का. वोटिंग वाला कंट्रोल खुद भी कर सकते हैं, सब्सिडरी के थ्रू भी कर सकते हैं. ये कौन लिखता है? सर क्लॉज टू लिखता है. कंपोजिशन वाला कंट्रोल खुद भी कर सकते हैं, ये कौन लिखता है? क्लॉज वन लिखता है. सब्सिडरी के थ्रू कर सकते हैं, ये कौन लिखता है? एक्सप्लेनेशन ए लिखती है. और एक्सप्लेनेशन बी क्या बोल रही थी? सर वो तो डेफिनेशन दे रही है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल का मतलब क्या होता है. पूरा सेक्शन समझ आता है हमें ये? चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर और बता दो. बेटा एक कंपनी ए है. अच्छा बेटा कुछ बच्चे ना मुझे पता है क्या कह रहे थे, सर ये बैच ना आप ऐसे ही करा रहे हो, पैसे चाहिए आप लोगों को, हमें लोगों ने सब आता है, हमने पढ़ रखा था. सच सच बताना, पढ़ रखा था सर? अब तब पता भी नहीं था हमें तो डेफिनेशनों का कि चल क्या रहा था हमारे जीवन के अंदर अब तक. एक ए था बेटा, एक बी था और एक सी था. बेटा ये रेगुलर क्लासेस में थी. जो बच्चे नलायक मेरे से ही पढ़े हुए हैं ना, वो तो सच में ही नलायक है. अगर उनको अभी भी नहीं आती तो ये मैंने रेगुलर क्लास में पढ़े हुए थे. बाहर वाले बच्चों को तो चलो मैं ग्रेस देता हूँ कि उनको पता नहीं कहां से पढ़े होंगे, अपने आप किताब में झक मारी होगी, उनको शायद ना समझ आए. मेरे वाले नलायक भी बेटा. आपको ऐसा क्या लगता है मेरी क्लास में कम नलायक? भर रखे हम लोगों ने क्लासेस, ऐसे ही गले फाड़ पड़ के पहले भी पढ़ाया था, उन्हें भी नहीं आता. टेंशन ना ले, जब दो महीने बाद आपसे कोई पूछेगा तब भी मेरी इतनी बेइज्जती कराओगे, आपको तब भी नहीं आता होगा. आप लोगों को मजा आता है अपने टीचरों की बेइज्जतियां कराने में. टीचर गले फाड़ फाड़ के सिखाता रहता है, जब कोई पूछता है मुंह बंद. सामने वाला क्या बोलता है? पता नहीं किससे पढ़ के आए, आता जाता कुछ. उन्हें क्या पता टीचर के गले खराब हो गए, गोलियां खा खा के पढ़ा रहा है कि किसी तरह से बच्चे को समझ आ जाए. नहीं, सब भूल जाते हैं. बेटा ए कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आइए जरा आखिरी सिचुएशन में हैंडल कर जाए.
ए और बी में रिलेशन, होल्डिंग और सब्सिडरी का किस में, क्लॉज वन में, बी में और सी का क्लॉज वन, ए और सी में होल्डिंग और सब्सिडरी किस में, क्लॉज वन रेड विद एक्सप्लेनेशन ए। ठीक है, डन, सारे कर लिए हमने एग्जांपल। सर अब आसान लगता है पढ़ने में, अब हम कर लेंगे क्वेश्चंस, आएंगे नहीं बेटा इतना मुश्किल, वो पूछेगा डेफिनेशन ही पेपर में, टेंशन ना लें। चलिए अगले पे आ जाते हैं। एक्सप्रेशन पूरी लिखनी है दोनों बेटा, मजे की बात पता है क्या, आप लोगों ने एटलीस्ट ये पूछा तो सही एक्सप्लेनेशन लिखनी है, 90% बच्चों को यही नहीं पता एक्सप्लेनेशन है भी सही सेक्शन के नीचे। अगर आपको ये लग रहा, आपका सवाल यहां तक तो आ गया कि मन में कम से कम ये गिल्टी भावना तो रहेगी कि हम एक्सप्लेनेशन लिख के नहीं आए, 80% बच्चा तो इस फीलिंग में आएगा पूरा लिखाया हूं, घर में जब आएगा तो पता चलेगा एक नंबर क्यों कटा हुआ था बाद में, कि एक्सप्लेनेशन भी थी, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा थी नीचे एक्सप्लेनेशन, मुझे याद नहीं आई मैं लिख के नहीं आया। अब ऐसा होगा नहीं कि याद ना आए, अब याद आ जाएगी। हाँ, भाषा का गंदा आप मचाएंगे अभी, मैं वो मैं जानता हूं, आप जब वो लिखना शुरू करेंगे लिखते कुछ और है, मन की भावनाएं कुछ और होती हैं, जब प्रकट करना शुरू करते हैं तो सामने वाला समझ कुछ और जाता है। सर यही तो जीवन का कष्ट है कि बोलना कुछ है किसी को बोल कुछ रहे हैं। चलो एसोसिएट कंपनी टू क्लॉज सिक्स, लास्ट आज की, बहुत ज्ञान बढ़ गया, इसको खत्म करते हैं आज। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोला उन्होंने, एक एसोसिएट कंपनी दूसरी कंपनी के रेस्पेक्ट में, यानी कि मान लीजिए बेटा ए कंपनी, ये बी कंपनी, बी कंपनी एसोसिएट कंपनी है दूसरी कंपनी के रेस्पेक्ट में, इफ दैट अदर कंपनी, दैट अदर कंपनी मींस हम इसको ए और बी में लिख ले, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी यानी कि ए मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी दैट मींस ए हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। समझ आता है, एक कंपनी को दूसरी के एसोसिएट कब बोलेंगे, जब वो दूसरी कंपनी आप में क्या रखती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। एक एक करके आएंगे, पहले सिर्फ इतनी बात पर रुक जाते हैं। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या भाषा है बोलने बेटा, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बस अभी यहीं तक रुक जाते हैं। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, पहली एक्सप्लेनेशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, द टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स अ कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये रुक जाए सर, इसका मतलब अगर ए बी में क्या होल्ड करे, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तो ए और बी में रिलेशन एसोसिएट कंपनी का, यानी कि बेटा बी क्या कहलाएगी ए की, एसोसिएट कंपनी, ए क्या कहलाएगी बी की, इतना सोच, ए क्या कहलाएगी बी की, चलो आप चुप तो हुए, ज्यादातर बच्चे बेटा एसोसिएट बोल देते हैं। सर डेफिनेशन में से ना लग नहीं रहा कि ए एसोसिएट है, बताओ ना ए क्या कहलाएगी। सर जब सामने वाली सब्सिडरी होती थी तो इधर वाली क्या होती थी, होल्डिंग होती थी, अब अगर ये एसोसिएट है तो फिर ये क्या है, डेफिनेशन में लिखा सर ए भी एसोसिएट है, ए एसोसिएट है नहीं, क्यों, एसोसिएट वो होता है जिसमें दूसरा व्यक्ति सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, डेफिनेशन में यही लिखा है।
एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड 20%. क्या मैं कह सकता हूं ए में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? आवाज नहीं आ रही, लाइव क्यों बंद हो गया? डन, आ रहा लाइव? चलो आप वापस आए सवाल पे कि सर अगर बी को हम कहते हैं कि बी एसोसिएट है, बी में तो ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, ए को एसोसिएट बोल सकते हैं? नहीं सर, इसका मतलब यह समझ आता है कि वो वाला रिश्ता नहीं है कि तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ठीक है, वो वाला रिश्ता नहीं है ये। फादर और सन ने बेटा रिलेशन था, वो कहते थे तू सन, वो कहते थे आप फादर। एसोसिएट सर भाई भाई होते हैं, भाई और भाई नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ए बी से पूछा जाएगा, सर ए से पूछा जाएगा बी आपके एसोसिएट, ए क्या चेक करेगा क्या मैं उसमें 20% वोटिंग पावर रखता हूं? उसने कहा हाँ रखता हूं, तो ये क्या कहेगा बी मेरी एसोसिएट। बी से पूछेंगे क्या ए आपकी एसोसिएट है, बी को क्या चेक करना पड़ेगा, क्या मैं ए में वोटिंग पावर रखता हूं? आंसर इज नो। बेटा आप समझेंगे एसोसिएट का रिलेशन ना एक तरफा रिलेशन है, ये एक तरफा प्यार है। आप तो सामने वाले को कुछ बुलाते हैं, सामने वाला पहचानने से मना कर देता है, ये वो वाला प्यार है। तो इसमें डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है, उन्होंने क्या लिखा है, एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो फिर बी से पूछेंगे ए तुम्हारा कौन, बेटा वो पता क्या बोलेगा अदर कंपनी, क्योंकि नाम ही क्या लिखा हुआ है अदर कंपनी। सर इसको अदर कंपनी ना सब्सिडरी में भी बुलाया था, लेकिन वहां ब्रैकेट में ही डेफिनेशन ने लिख दिया था क्या बोलना है उसको। जरा एक बार पढ़ लो, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू, वहां भी क्या लिखा था एनी अदर कंपनी, और उस अदर को क्या दे दिया था, उस रिश्ते को नाम दिया था बेटा हमने होल्डिंग कंपनी। यहां वो रिश्ते का नाम गायब है, यहां आपको क्या बुलाना पड़ेगा अदर कंपनी। तो बी के लिए ए क्या है अदर कंपनी, वो अदर कंपनी जो क्या रखती है उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है 20% ऑफ वोटिंग पावर में। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी में 20% से कम होल्ड करता है तो ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। 20% होल्ड करता है तो रिश्ता क्या बन जाता है एसोसिएट का। सर ये जब तक 50 तक रहता है ये रिश्ता एसोसिएट कहलाता है, ये जैसे ही 50 से ऊपर चला जाता है रिश्ता फिर सर ये सब्सिडरी कहलाता है, और फिर बी भी ए को पहचानता है, फिर बी क्या कहता है ए को मैं ये मेरा होल्डिंग है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप 20 से ज्यादा रखते हैं तो आप क्या कहलाते हैं एसोसिएट, बी क्या कहलाती है एसोसिएट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारी की सारी जो एसोसिएट हैं या सारी सॉरी जारी की सारी जो आपकी सब्सिडरीज हैं वो आपकी एसोसिएट तो होती ही हैं? क्या सारी सब्सिडरीज आपकी एसोसिएट होती हैं? मैं अपनी सारी सब्सिडरी कंपनी को कह सकता हूं ये मेरी एसोसिएट्स हैं? डेफिनेशन पढ़ लें, जहां तक पढ़ाया था उससे आगे के 6 वर्ड पढ़ लें। लिखा हुआ है कुछ वहां पे, क्या लिखा हुआ है, इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब हो गया, आप एसोसिएट तब तक हैं बेटा जब तक आप उसकी क्या नहीं बने सब्सिडरी नहीं बने, यानी कि जैसे ही ये वाली जगह पार हो गई आप क्या बन गए सब्सिडरी, और सब्सिडरी बनते ही आप क्या खत्म हो गए एसोसिएट। यानी कि एसोसिएट सिर्फ कब तक कहलाते हो
20 से लेकर 50 के बीच तक, 50 पार करते ही क्या बन जाता है बेटा, वो रिलेशन प्रमोट हो जाता है, वो क्या कहलाने लग जाते हैं हम उसको, सब्सिडी। इसको ऐसे समझे बेटा, 20 से 50 के बीच में ना रिलेशनशिप होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लेकिन फिर ना शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या सारे की सारी वाइफ गर्लफ्रेंड होती है? नहीं बेटा, वो वाइफ होती है, वो गर्लफ्रेंड नहीं होती। इंट्रोडक्शन नहीं कराते आप उनका, देखो मेरी गर्लफ्रेंड, देखो मेरा बॉयफ्रेंड, कहते हैं मेरे हस्बैंड है। तो आप छुपी हुई भावना तो समझते हैं, हस्बैंड के अंदर, वाइफ के अंदर वो गर्लफ्रेंड और हस्बैंड छुपे हुए होते हैं, जो पुराने रिश्ते होते हैं, लेकिन उनका नामकरण हो जाता है। क्योंकि बेटा यहां पर ना नामकरण किया गया है, यहां नामकरण किया ही नहीं गया उन रिश्तों का, तो हम क्या करेंगे भैया, यहां तक ये कहला कहलाएंगी, एसोसिएट कराएंगी। यहां पर बोल सकते थे एसोसिएट, लेकिन डेफिनेशन ने मना कर दिया एसोसिएट। उसने क्या कहा, एसोसिएट तब तक जब तक वो आपकी क्या नहीं बन जाती, सब्सिडरी नहीं बन जाती। अब चलो यार यहां तक तो बात समझ आ गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब इसका क्या मतलब हो गया सर, एक ए है और एक बी है, ये दोनों ना मिलके काम करते हैं, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में जनरली क्या होता है बेटा, दो कंपनियां आती हैं मिलके एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए काम करती हैं। वेंचर का मतलब किसी भी एक प्रोजेक्ट को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं जनरली बेटा। क्यों आती हैं? क्योंकि शायद दोनों के मिले बिना काम चलता नहीं था, एक के पास रीच थी, एक के पास टेक्नोलॉजी थी, मारुति सुजुकी, एक के पास टेक्नोलॉजी थी, मारुति के पास दुनिया जमाने के शहर में रीच है, पूरे पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ मारुति खड़ा है, ठीक है। ऐसे बेटा हमने समझा, टाटा मार्को पोलो डीटीसी की बसें चलती हैं, एक के पास टेक्नोलॉजी है, एक के पास रीच है। जनरली बेटा कई बार पैसे की जरूरत होती है, एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि बड़ा प्रोजेक्ट ले जाए। बाहुबली मूवी बनानी थी, इतना पैसा ना था एक प्रोडक्शन हाउस के पास, दो तीन प्रोडक्शन हाउस इकट्ठे आए। स्टार्टिंग में लिखा होता है बेटा प्रोडक्शन हाउस के नाम 1 2 3, वो इकट्ठे हमेशा हमेशा के लिए काम कर रहे होते हैं, नहीं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए इकट्ठे आए। इस वेंचर को क्या नाम दिया जाता है, जॉइंट वेंचर। अब जब अगर आप जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, तो एक जॉइंट वेंचर में काम करने वाली कंपनी दूसरे जॉइंट वेंचर में काम करने वाली कंपनी की एसोसिएट कंपनी होती है, ये डेफिनेशन लिखता है। तो अगर ए और बी बेटा जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, तो ए से पूछोगे बी आपकी क्या, वो क्या बोलेगा, एसोसिएट। सर इसमें भी 20% इन्फ्लुएंस चाहिए होता है? नहीं बेटा, इसमें सीधा सीधा क्या लिखा है, एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, यानी कि जॉइंट वेंचर में कुछ नहीं देखना, वो क्या होगा, वो एसोसिएट कंपनी होगी ही होगी। अच्छा फिर सर बी भी क्या ए को एसोसिएट बुलाता होगा, बीबी सर ए को जॉइंट एसोसिएट बुलाता होगा या अदर कंपनी बुलाता होगा? सर यहां एसोसिएट बुलाता होगा, क्योंकि यहां रिश्ता सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे खड़ा ही नहीं हुआ। यहां किस बात का रिश्ता है कि अगर आप जॉइंट वेंचर हो तो आप एक दूसरे के क्या हो, एसोसिएट हो। यहां वो भाई भाई वाली बात चल जाती है कि जो रिश्ता आप उसका बोलते हो वही रिश्ता सामने से वो बोलता है, यहां ऐसा नहीं चल पाता था। तो हमने क्या कहा, जॉइंट वेंचर के केस में ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाएंगे, एसोसिएट कंपनी, और वो आपकी क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी। अच्छा ये जॉइंट वेंचर होता क्या है, डेफिनेशन बेटा, जॉइंट वेंचर कुछ नहीं होता, एक जॉइंट अरेंजमेंट होती है। ये अरेंजमेंट कैसे आती है, किसी एग्रीमेंट से आती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से आती है। उन्होंने कहा था एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव द राइट्स टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। पहली बात है बेटा जॉइंट वेंचर को उन्होंने एक शब्द दे दिया, जॉइंट वेंचर क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मींस टेम्परेरली तैयार किया गया एक रिलेशनशिप अरेंजमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जिस पार्टीज का उस अरेंजमेंट पे कंट्रोल होता है, वो उस अरेंजमेंट में से निकलने वाले जो नेट असेट्स हैं, यानी कि जो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो नेट असेट्स मिलते हैं, उसका कंट्रोल रखते हैं, उसको लास्ट में अपने घर ले जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा था, एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव अ जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट, विद दिस वी आर डन विद एसोसिएट कंपनी ऑल्सो। तो तीनों के बड़ा फटाफट से एक बार डेफिनेशन बता दें। पहली बात तो सेक्शन क्या थे, 2 clause 6 ने बात करी एसोसिएट कंपनी की, 2 clause 46 ने बात करी होल्डिंग कंपनी की, 2 clause 87 ने बात करी सब्सिडरी कंपनी की। होल्डिंग कंपनी की बात करें तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर
सब्सिडरी कंपनीज, नीचे देंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, अदर कंपनी को बुलाते क्या है? होल्डिंग कंपनी। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या क्या करता है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, पहले हमने क्या लिखा? द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग इवन इफ द कंट्रोल्ड रेफर्ड इन सब क्लॉज वन और सब क्लॉज टू इज ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब कंट्रोल माने जाते हैं? द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। उसमें क्या क्या लिखा? अनदर कंपनी एक्सरसाइज करती है पावर, वो पावर आती कहां से है? पावर एक्सरसाइजेबल एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। क्या कर सकती है इस पावर में? अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है किसको? ऑल और एनी ऑफ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। उसके बाद लास्ट हमने बात करी एसोसिएट, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ कंपनी हैविंग सच इंफ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। यानी कि तीन बातें याद करनी है। नंबर वन, दूसरी कंपनी का आप में क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आप उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। नीचे देनी है दो एक्सप्लेनेशन। नंबर वन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब आप कंट्रोल करते हैं एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, आगे भी कुछ लिखा है, और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। बेटा वहां कंट्रोल किसका था? सब्सिडरी में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल है, यहां किस पे कंट्रोल है? बिजनेस डिसीजंस में। यानी कि वो आपसे दिन से डिसीजंस में जो होते हैं डे टू डे उसके बारे में पूछ लेती है। बाइंडिंग होते हैं आपका पूछना नहीं, स्टिल वो आपसे पूछती है, पूछेगी बेटा जब आप इतना सारा शेयर रखते हो तो आपसे पूछ लेती है। तो हमने क्या लिखा? इट कंट्रोल्स और पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन मेकिंग और बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। और ये पावर कहां से होती है? एग्रीमेंट के तहत। और जॉइंट वेंचर क्या होता है? लास्ट जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज टू दैट जॉइंट अरेंजमेंट हैव कंट्रोल टू द नेट असेट्स ऑफ दैट अरेंजमेंट। चलिए फटाफट से एक बार सेक्शन रिवाइज कराइए। कंपनी का वन पर्सन कंपनी का टू क्लॉज 62, स्मॉल कंपनी का टू क्लॉज 85, प्राइवेट कंपनी का टू क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी का 271, अनलिमिटेड कंपनी का टू क्लॉज 92, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू क्लॉज 21, बाय शेयर्स 22, एसोसिएट कंपनी टू क्लॉज 6, प्राइवेट होल्डिंग कंपनी टू क्लॉज 46, सब्सिडरी कंपनी टू क्लॉज 86। चलिए आज तो यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।